हालेलुया, सारे लोगों को जय मसीह की, सारे लोगों को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ, यदि आज का वचन आपने पूरा सुन लिया एक जगह बैठ के, इधर उधर नहीं गए, तो आप सेम नहीं रहेंगे। आज एक मेरा जो टॉपिक है, आज मैंने डाल के रखा है हेडिंग में टॉपिक, आज आप क्या चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए करे, आज आप क्या चाहते हैं। हालेलुया, आज आप क्या चाहते हैं, और आज आप जो चाहते हैं यीशु मसीह आपके लिए कर देगा। यदि आप एक जगह बैठे हुए हैं, आप इस रूम से उस रूम में नहीं जाएंगे, वॉशरूम आए नहीं जाना है, क्योंकि शैतान है जो आपको डिस्टर्ब करेगा, ये बहुत सारे काम याद आएंगे। लेकिन मैं बोल रही हूँ, आज जो ये वचन आप सुनेंगे, आज आप सेम नहीं रहेंगे, आज आपके बच्चे सेम नहीं रहेंगे, आज आपके परिवार सेम नहीं रहेगा, आज आपका जॉब सेम नहीं रहेगा, आज आपकी सैलरियां सेम नहीं रहेगी, आज आपकी प्रेयर सेम नहीं रहेगी, आपके घर सेम नहीं रहेंगे, वो बदल जाएंगे जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, जब होली स्पिरिट आपके ऊपर आएगा, आप अंश अंश करके चेंज होते, आप बदल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज सबसे पहले अपने सामने बाइबल को रखे, अगर बिना बाइबल पढ़े आप वचन सुन रहे तो बहन पूरी तरीके से काम नहीं होएगा। जब तक एक स्कूटर हो गई, बाइक हो गई, कार हो गई, कुछ भी चीज हो गई, उसमें पेट्रोल की जरूरत है, लेकिन बिना पेट्रोल के वो खसक नहीं सकती, बिना पेट्रोल के वो एक कदम पे भी आगे नहीं जा सकती, उसको धक्का देना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगी ज्यादा। लेकिन जिस गाड़ी के अंदर पेट्रोल रहेगा हम इजिली चला पाएंगे, जिस साइकिल के अंदर हवा रहेगी हम इजिली चला पाएंगे, जिस कार के अंदर पेट्रोल रहेगा हम इजिली चला पाएंगे। अब सोचो, हम वचन तो सुन रहे हैं लेकिन हमारे पास बाइबल ही नहीं है, तो हमको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और हमारी जो लाइफ है वो डिफिकल्टी लाइफ हो जाएगी। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन बिना बाइबल के, हम वचन तो पढ़ रहे लेकिन मोबाइल से। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपको बोलते, जैसे मैंने ऐसी बाइबल रखी, इस बाइबल को निकाल ले, और जो मैं वचन बोलूंगी वचन को एक नोटबुक पे लिखे, और मैं बोलूंगी आपकी लाइफ में पेट्रोल है, आपकी लाइफ में डीजल है। और जो लोग डीजल को लेके चलते, जो लोग पेट्रोल को लेके चलते, उनकी प्रार्थना रुकती नहीं, उनकी प्रार्थना खाली नहीं होती, और वो लोग जैसा है वैसे नहीं जाते। एक स्कूटर में पेट्रोल नहीं है तो क्या होगा, वो खसखाते खसखाते लेके तो जाएगा लेकिन वो वहीं छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो तो जैसे आया था वो वैसे ही रख के चला गया, क्योंकि उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। लेकिन आज हमारी लाइफ में पेट्रोल होना चाहिए, आज हमारी लाइफ में डीजल होना चाहिए। और हमारी लाइफ का पेट्रोल क्या है और हमारी लाइफ का डीजल क्या है, ये बाइबल है। यदि हमारी लाइफ में बाइबल नहीं है, हम अधूरे, हम वचन तो सुन रहे लेकिन हम वचन पढ़ नहीं रहे, हम प्रार्थना तो कर रहे लेकिन हम वचन नहीं पढ़ रहे। आज हमारी लाइफ में वचन होना बहुत जरूरी। यदि आप सुन रहे तो अपने पास बाइबल निकाले, एक पवित्र बाइबल को निकालो, सामने रखिए, और एक कॉपी को निकाले, पेन को लिखिए, और वचन का आदर करें, वचन का रिस्पेक्ट करें। मैं बोलूंगी आज आप जैसे जाए, आप कैसी भी कंडीशन क्यों नहीं हो, आपको अपनी बीमारी बड़ी लग रही है, आपको अपनी कमजोरी बड़ी लग रही है, आपको अपनी समस्या बड़ी लग रही है, आपको अपने हस्बैंड के नशे बड़े लग रहे हैं, आपको कैंसर बड़ा लग रहा, आपको एड्स बड़ा लग रहा, आपका परिवार उद्धार नहीं पा रहा बड़ा लग रहा, आपको सब चीज बड़ा लग रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटी सी बीमारी है, ये बहुत छोटी सी कमजोरी है, ये बहुत छोटा सा गुस्सा है, ये बहुत छोटी सी चीज है। आज जो चाहते हैं आज आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए तो ये सारी बातें छोटी है, ये परमेश्वर के लिए हर एक बात छोटी है, क्योंकि वो तुरंत कर देगा। लेकिन आज हमें अपनी जिंदगी में पेट्रोल को, आज हमारी जिंदगी में डीजल को भरना जरूरी। जब हम पेट्रोल और डीजल को भर लेंगे हमारी लाइफ इजिली चलेगी। आदम और हवा जब परमेश्वर की उपस्थिति में थे, क्या था, शैतान आके हर दिन उनको भरमाता है। वैसे आज हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते, जब हम वचन से बात करते, जब हम लाइव देखते, तो शैतान आके हर दिन हमें भरमाएगा, उठ जा, कोई मतलब नहीं, मत देख वचन, मत सुन प्रार्थना, ऐसे आपके आपको भटकाएगा, रहन दे, कहीं और चला, कहीं और सुन लेना। लेकिन मैं बोलूं, ये भरमाने वाली स्पिरिट है, ये डेविल की है, ये भरमाने वाले जो है वो शैतान की। शैतान नहीं चाहता आज आप वचन सुने, शैतान नहीं चाहता आप प्रार्थना सुने। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ, अपने सामने बाइबल, प्रार्थना रखो, और अपनी लाइफ में पेट्रोल और जल रखो, और आपकी गाड़ी फास्ट चलेगी, आपकी प्रार्थना फास्ट, आपका वचन फास्ट, आपका आत्मिक जीवन फास्ट, आपकी संगति का जीवन, हर एक जीवन फास्ट चलेगा, क्योंकि आपके जीवन में आपने पेट्रोल को रख के रखा है। आप साइकिल में नहीं चलोगे, साइकिल चलाओगे तो आप लेट पहुंचोगे, लेकिन आप जब अपने पास बाइबल रखोगे, आप मोबाइल में बाइबल पढ़ोगे तो आप लेट पहुंचोगे जहां जाना है। लेकिन जब आप रियल में जो बाइबल परमेश्वर ने हमें दी इसको पास में रखोगे, तो आप जल्दी
आत्मिक जीवन में आगे बढ़ोगे, जल्दी प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ोगे, जल्दी संगति के जीवन में आगे बढ़ोगे और जल्दी आप अपनी चंगाई को ले लोगे, जल्दी अपनी बरकत को ले लोगे, जल्दी अपने आशीष को ले, क्योंकि आपने अपने जीवन में एक पेट्रोल को, एक डीजल को रखा। फिर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, फिर मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस वचन को ले लिया, आपने इस वचन को पढ़ लिया, आपने इस वचन को ग्रिप कर लिया कि वचन क्या कहता है। बिना वचन में कुछ भी नहीं, बिना प्रार्थना में कुछ भी नहीं, बिना संगति में कुछ भी नहीं। हालेलुया। तब आपको यीशु मसीह आपके पास आएगा। आज आप चंगे नहीं हुए, आज आप हील नहीं हुए, आज आप ब्लेस नहीं हो रहे, आपके जीवन को चमत्कार से भर देगा, आपके घर को चमत्कार से भर देगा, आपकी जॉब को चमत्कार से भर देगा, आपकी जॉब को गवाही से भर देगा जब आप ऐसा करोगे। मेरे साथ आज निकाल लीजिए, मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 29 वर्सेस। वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे भी इसकी लाइफ में पेट्रोल नहीं था, यहाँ पे भी इसकी लाइफ में डीजल नहीं था, लेकिन यीशु के पीछे जा रहा था, यीशु के पीछे जा रहा था, यीशु के पीछे। हमें भी आज यीशु के पीछे जाना है, हमें भी यीशु के पीछे भागना है। यीशु इनकार कर रहा है, यीशु इग्नोर कर रहा है, चले इग्नोर करे, लेकिन यीशु के पीछे जा रहा है, यीशु के पीछे भाग रहा है। चल आपके चर्च में पास्टर ने आपका आपकी इंसल्ट करी, आपको इग्नोर कर, आपको ध्यान नहीं दिया, तो हम हर्ट हो सकते हैं। हम बहुत सारी कलीसिया रहती है पास्टर के पास, तो शायद इग्नोर हो सकता है कि शायद आप सोच रहे होंगे मेरे पास्टर मुझे ध्यान नहीं दे रहा, मेरी वुमन ऑफ गॉड मेरी जो प्रभु की दासी है जो मैम है वो मेरे पे ध्यान नहीं दे रही, वो सर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे, कलीसिया के लोग मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं बोलूंगी वो ध्यान नहीं दे, लेकिन यीशु आपको ध्यान देता है, यीशु की नजर आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज यीशु की आपकी नजर यीशु पे आए वो कहना चाहते हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रचन पढ़ रही है, कौन देख रही है? मैं नहीं देख रही हूँ, ये कोई नहीं देख रहा, लेकिन यीशु मसीह देख रहा है। आज कितने सारे लोग चले गए चर्च से, मैन ऑफ गॉड नहीं देख रहा, वुमन ऑफ गॉड नहीं देख, कलीसिया के लोग नहीं देख रहे, लेकिन मैं बोलूंगी वो परमेश्वर देख रहा है आपको। यदि आप सच में ईमानदार है, सच में लाइफ में आते, सच में प्रार्थना में आते, सच में अपना जीवन परमेश्वर को दिया, तो आज ही आपको चंगा करेगा। बीमारी कैसी भी है, आपके हस्बैंड नशे में है, आप क्या चाहते हो वो नशा हट जाए? आपकी पत्नी व्यभिचार में, आप क्या चाहते हो वो हट जाए? वो हट जाएगा, लेकिन आपके विश्वास के द्वारा, आपकी गाड़ी में पेट्रोल के द्वारा। वचन क्या कहता है मैं आपको बताना चाहिए। दो अंधे का दृष्टिदर पढ़िए, दो अंधे का दृष्टिदान। यहाँ पे दो अंधे व्यक्ति थे और 29 से पढ़िए। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई। यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह अकेला नहीं जाता था, यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ जाएगी। कब? जब हम प्रेयर में रहेंगे, जब हम सारी चीजों में रहेंगे, तो जब हम इतने प्रेयर में मजबूत रहेंगे, हम इतने वचन में मजबूत रहेंगे, हम प्रेयर में वचन में मजबूत रहेंगे, तो हमारे साथ भी भीड़। और ये भीड़ क्यों? अनुग्रह, एक ग्रेस है, ये भीड़ क्यों? ये एक सामर्थ्य। हालेलुया। और क्या लिखा है 30? और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, दो अंधे थे जो सड़क के किनारे बैठे हुए थे। हालेलुया। हाँ, आज हम भी अंधे हो सकते हैं। कैसे? हम भी आज सड़क के किनारे बैठे, क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ रहे ना, तो हम भी सड़क के किनारे और हम भी अंधे। हम वचन नहीं पढ़ रहे, हम भी अंधे है, हम भी प्रार्थना नहीं कर रहे ना, हम भी अंधे है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वचन नहीं पहुंचा, हम भी अंधे है। आज हम भी आज सड़क के किनारे ही बैठे है। हालेलुया। जो भीड़ थी यीशु के पीछे चल रही थी, किसके पीछे चल रही थी? यीशु के पीछे। यीशु था भीड़, मतलब ये लोग क्या था? ये लोग अंधे नहीं थे, ये लोग देख रहे थे। यदि हम यीशु के पीछे चल रहे थे, वो भीड़ क्या है? वो लोग अंधे नहीं है, लेकिन हम, यहाँ पे लिखा हुआ है, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, दो अंधे थे जो सड़क के किनारे। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं सुना था, उन्हें वर्ड ऑफ गॉड नहीं सुना था, उन्हें चंगाई के बारे में नहीं सुना था, लेकिन जब हमें कुछ ऐसे अंधे दिखे, जब हमें कुछ लूले दिखे, जब हमें कुछ लंगड़े दिखे, तो हमें क्या करना है? हमें उन्हें सुसमाचार के बारे में बताना है, हमें उन्हें संगति के बारे में बताना है, हमें उन्हें चर्च के बारे में बताना है। लेकिन क्या हुआ? यहाँ पे लिखा है अंधा। एक अंधा व्यक्ति कैसा? उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसको वचन भी दिखाई नहीं देगा, उसको प्रार्थना भी दिखाई नहीं देगा, वो चमत्कार को देखेगा लेकिन बिलीव नहीं करेगा, वो आश्चर्य को देखेगा बिलीव नहीं करेगा, वो मिरेकल को देखेगा बिलीव नहीं करेगा, वो हर एक चीज को देखे, क्योंकि वो शैतान ने उसकी जो आंखें वो अंधी कर दी है। शैतान नहीं चाहता आप मिरेकल को देखे, शैतान नहीं चाहता बेबी ब्लेसिंग को देखे, शैतान नहीं चाहता आप चंगाई को देखे, शैतान नहीं चाहता आप चर्च आए कि आपके जीवन में मिरेकल हो, आपके जीवन में आशीष का जन्म हो, आपके जीवन में बरकत का जन्म हो, आपके जीवन में मिरेकल का जन्म हो, शैतान नहीं चाहता, इसलिए उसने आपकी आंखें को अंधा कर दिया। जैसे इस व्यक्ति की, मैं आज दो तरह की आंखें के बारे में बता दूं अंधेपन की, एक शारीरिक अंधा, एक आत्मिक अंधा, एक देखते हुए भी अंधा बनना और एक नहीं देखते हुए भी अंधा बनना। दो तरह के अंधे होते हैं,
एक वचन को जान रहे फिर भी वचन नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना को जान रहे फिर भी प्रार्थना नहीं कर रहे, संगति को जान रहे संगति नहीं, चर्च को जानने की हर दिन चर्च आना है फिर भी चर्च नहीं आ रहे। ये दो तरीके के अंधे होते हैं। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, यस, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, सड़क के किनारे बैठे थे। मैंने बताया आपको दो तरह के अंधे होते हैं, और लेकिन ये जो अंधा था ये थोड़ा डिफरेंट था, ये जो अंधा था ये थोड़ा अलग अंधा था। इसने इग्नोर नहीं मारा, इसने इग्नोर नहीं किया, इसने रिस्पॉन्स करा। जब कोई अंधे, आप अंधे हो, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया तो आपको रिस्पॉन्स करना है, लेकिन इसने रिस्पॉन्स करा, इसने रिस्पॉन्स करा। आज हमें भी जब हमें इशू के बारे में कोई बताता है, हम वचन के बारे में कोई बताता है, वर्शिप के बारे में कोई बताता है, धन्यवाद की भेंटों के बारे में बताता है, फॉर्म्स के बारे में बताता है, चर्च के कार्यों के बारे में बताता है, तो हमें अंधे नहीं बनना है, हमें अंधे नहीं बनना है, हमें रिस्पॉन्स करना है, हमें रिस्पॉन्स करना है। यदि हम रिस्पॉन्स करेंगे, हम दरवाजे को खोलेंगे, तो हमारे दिल के हम दरवाजे को खोलेंगे, परमेश्वर अपने दरवाजों को आपके लिए खोलेगा, परमेश्वर ब्लेसिंग्स को खोलेगा, हेवनली डोर ओपन होंगे, मिरेकल के डोर ओपन होंगे। यहाँ पे लिखा है, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे हुए थे, क्यों बैठे थे, लोग आए उन्हें पैसे दे, वो मनुष्य पे डिपेंड थे, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता, लेकिन यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि आप मनुष्य पे डिपेंड हो, यीशु मसीह नहीं चाहता आप किसी व्यक्ति पर डिपेंड हो, यीशु मसीह ये चाहता आप उस पर डिपेंड हो जाए, आपका भरोसा उस पर है, आप उसके पीछे भागो, आप किसी व्यक्ति के पीछे नहीं, आप किसी पास्टर के पीछे नहीं, लेकिन आज आप यीशु के पीछे भागना है। हालेलुया। आज आप क्या चाहते हैं यीशु मसीह आपके लिए करे, आप पूछिए मेरे से, आज आप क्या चाहते हो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे अंधे, कोई कैंसर, कोई बीमारी कैसी भी हो सकती है, लेकिन वो हील हो जाओगे। आप बहुत समय से आप बोल रहे कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आज मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आज आप क्या चाहते हो कि इश्यू आपके लिए करे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना, ये अंधा था जब इसने सुना, पढ़ दीजिए 30 पूरा, और दो अंधे हाँ जो सड़क के किनारे बैठे थे, हाँ सड़क के किनारे बैठे थे, अंधा था लेकिन बहरा नहीं था वो। हालेलुया। आज हम अंधे के साथ बहरे भी बन जाते हैं। हालेलुया। आज काफी लोग, भाई लोग, मैं आपसे नहीं बोल रही, बहन आपसे नहीं, आप बहुत अच्छी है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अच्छा वचन पढ़ती हो, तो कोई भी व्यक्ति ये वचन को अपने दिल पे ना ले कि मेरे लिए बोल रही, लेकिन जो लोग है मैं उनको सिखाने के लिए, ताकि आप आत्मा में आगे बढ़े, आप वचन में आगे बढ़े। आपको कोई वचन से ठेस लगती है या कुछ ऐसा लगता है तो आप बढ़ रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं ना। एक बच्चे को जब ABCD नहीं लिखती बनती तो उसको टीचर मारती है, लेकिन वो दूसरे दिन से बोलता है मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, मैडम मारती है, मैडम नहीं बेटा आपको पढ़ना है तो आपको जाना पड़ेगा, कॉलेज में होमवर्क देते बहुत सारा, लेकिन वो डर लगता है क्योंकि हमने होमवर्क कम्प्लीट नहीं करा, हमें ठेस लगेगी लोगों के सामने। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप वचन में बढ़ना चाहते तो आज बोलिए ये वचन मेरे लिए है, ये इस वचन मेरे लिए, आज का वचन मेरे लिए, ऐसा बोलिए। आप ऐसा बोलोगे तो मैं बोलूंगी, बहनों आपको बढ़ने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता, आपका हस्बैंड नहीं रोक सकता, आपकी वाइफ नहीं रोक सकती, आपकी मदर इन लॉ, आपके परिवार, आपके कोई भी आपको वचन में, वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। वचन क्या कहता है यहाँ पे, वो अंधा तो था, अब वो देख नहीं रहा चमत्कार को, लेकिन वो सुन तो रहा है ना। आज हम देख, कुछ लोग अंधे है, देख नहीं रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हम सुन तो रहे ना। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, पढ़िए, दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, जो सड़क के किनारे बैठे हुए थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, क्या सुना हमने, यीशु नासरी जा रहा है, चमत्कार करने वाला जा रहा है, चार दिन के मरे हुए लाजर को जिसने जिंदा किया था, वो व्यक्ति यहाँ से जा रहा है। उसने सुना, क्या करा उसने, सुना। लेकिन आज हम सुन रहे हैं ना, हम अंधे हैं, ठीक है, एक व्यक्ति अंधा है, लेकिन वो सुन रहा है, फिर भी वो नहीं आ रहा है, वो सुन रहा है, फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वाय शैतान ने उसकी आंखें अंधी कर दी। लेकिन जो व्यक्ति अंधा था ना, इसको पता है, अगर आज मैंने रिस्पांस नहीं करा ना, आज आशीष मेरे हाथ में है, आज डीजल मेरे हाथ में, आज पेट्रोल मेरे हाथ में है, मैं जितना इश्यू से ले सकता हूँ मैं ले सकूंगा। अगर आज मैंने ये अवार्ड को, आज मैंने ये जो अवार्ड मुझे मिलने वाला है ना चंगाई का, अगर मैंने आज मिस करा, मैं कभी चंगा नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि वहां पे लोग बोल रहे थे कि आज यहाँ से इशू जा रहा है। आज बोलते लोगों को, आज संडे को चर्च लग रहा है, आज फ्राइडे को चर्च लग रहा है, आज हीलिंग मीटिंग होगी, लेकिन वहां हम गवा देते, वो परमेश्वर ने एक अवार्ड हमारे लिए चंगाई का रखा है, मिरेकल का रखा है, आशीष का रखा है, ब्लेसिंग्स का रखा है, लेकिन हम इग्नोर कर देते क्योंकि हम अंधे तो है साथ में, लेकिन शैतान ने हमको बहरा भी बना दिया। लेकिन ये अंधा था,
के लिए बहरा नहीं था। जैसे यीशु मसीह को इसने सुना कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है, जैसे वहां पे जो लेडीज को ब्लीडिंग हो रही थी इतने वर्ष से, वहां भी उसने यही सुना था कि यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है, यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है। ये अंधे ने भी सेम यही सुना कि यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है। पढ़िए, ये सुनकर कि यीशु सुनकर उसको किसी ने आके नहीं बोला, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, उसको आके नहीं बोला किसी ने, हेलो, किसी ने आके नहीं बोला, क्या आप सुन रहे हो, उसको किसी ने आके नहीं बोला कि तू चढ़ जा, तू प्रार्थना कर, तू ये कर, नहीं, उसने तो सिर्फ सुना है लोगों से। आज हम भी सुनते ना, आज हम भी सुनते ना, परमेश्वर ने गवाहियों के बारे में, टेस्टिमनियों के बारे में, हर एक बात परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के बारे में, लेकिन फिर भी हम नहीं करते, क्यों? क्योंकि शैतान ने आंखें तो अंधी कर दी लेकिन कान भी बहरे कर दिए। हालेलुया। क्या आज शैतान ने हमारे कानों को बहरा करके रखा है? तो आपको कमांड करना है, आपको फायर के साथ कमांड करना है, बहरेपन की स्पिरिट दूर हो। आप नहीं सुनना है, शैतान रोक रहा है आपको गवाही सुनने से, शैतान रोक रहा है टेस्टिमनी सुनने से, शैतान रोक रहा है आपको चर्च जाने से, शैतान रोक रहा है आपको प्रार्थना करने से, शैतान रोक रहा है आपको वचन पढ़ने से, शैतान रोक रहा है अपने हस्बैंड से आपकी बात ना हो, शैतान हर एक चीज से रोक रहा है, शैतान रोक रहा है बीज ना दे, शैतान रोक रहा है प्रार्थना ना करे, क्योंकि इसने आंखें तो अंधी कर ली है, देखते हुए भी नहीं देख रहे और फिर सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लेकिन इसने एक भूख को जगाई कि मुझे तो चंगा होना है, इसने एक प्यास को जगाई कि मुझे तो आज फ्री होना है, मुझे आज शैतान के हर एक बंधन से आजाद हो जाना है। लेकिन क्या ये आसान था इसके लिए? आसान है आए और तुरंत चंगा हो जाए? लेकिन इसने मेहनत करी, इसने अपनी भूख को बढ़ाया, इसने अपनी प्यास को बढ़ाया, इसने अपनी जिज्ञासा को बढ़ाया, इसका फोकस यीशु के पास था, इसका फोकस यीशु था, इसका फोकस यीशु था, इसने तो बस सुना था यीशु चंगा करने वाला है, यीशु चंगा करने वाला है, यीशु अंधों की आंखें खोलने वाला है, यीशु बीमारी को दूर करने वाला है, यीशु कमजोरी को दूर करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। आप जब यहां पे आगे चैप्टर में देखते हैं यीशु मसीह ने कितने अंधों को चंगा करा, कितने लोगों का काम किया यहां पे, कितने लोगों की चंगाई दी, तो इसने सुना था कि यीशु ये कर रहा है, यीशु वो कर रहा है, यीशु ये कर रहा है, लोगों से सुन रहा है, अरे मैं यीशु के बारे में इतना सुन रहा हूं लेकिन मैं अंधा हूं, मैं तो देख नहीं सकता, लेकिन मैं वो सुन तो रहा था ना, लोग बोल रहे होंगे, लोग यीशु की तारीफ कर रहे होंगे, लोग यीशु के बारे में बता, और भीड़ में से भी जब लोग चेले उसके साथ जा रहे तो वो गवाही के तौर पर बता रहा है यीशु मसीह आज कितना अच्छा मेरे के लोग, कितना अच्छा काम, और सोच लो उसने वहां पे सुन लिया। हालेलुया। क्योंकि वो बहरा था, लेकिन वो सॉरी वो आंख से अंधा था लेकिन बहरा नहीं था। क्या आज हम आंख से अंधे होने के बहरे भी है? क्या आज हम सुन रहे हैं? आज हम सुन रहे क्या सुन रहे? एक बहन ने परमेश्वर के राज्य में बीजों को बोया, परमेश्वर ने घर से आशीषित कर, एक बहन ने परमेश्वर ने उसको बेबी ब्लेसिंग दी, एक बहन को वो वचन में बनी रही, वो प्रार्थना में बनी रही, और कैसे उसके पति ने ड्रिंक को छोड़ दिया। लेकिन क्यों नहीं हम कर, हम वचन में कंटिन्यू नहीं है, हम प्रार्थना में कंटिन्यू है, हम अपने दशवांश में कंटिन्यू है, हम अपनी भेंटों में कंटिन्यू है, हम अपनी धन्यवादी भेंटों में कंटिन्यू नहीं है, हम प्रार्थना वचन संगति फास्टिंग इन सब में कंटिन्यू नहीं है? इसलिए हो रहा, क्योंकि वो तो अंधा था लेकिन आप अंधे नहीं हो, वो तो बहरा था, आप बहरे नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। आज काफी लोग बहरे लेकिन आप बहरे नहीं हो ना, आप सुन पा रहे ना यीशु के बारे में, आप देख पा रहे ना यीशु के बारे में, लेकिन ये अंधा था, इसने चमत्कार होके भी नहीं देखा, बिना देखे विश्वास करा, बिना देखे यीशु के पास गया, इसने जब सुना था। वचन कहता धन्य है वे जो मेरा वचन को सुनते और मानते हैं। आज क्या हम वचन सुन रहे लेकिन मान रहे? हालेलुया, हालेलुया। आज हमें सुनना है, अगर कोई बोलता है तो बिलीव करना है। आप ऐसे ही बोलते चलो एक बार हम चर्च आके देखते, मैं बोलूंगी एक बार जब आओगे आप बार बार आओगे। हालेलुया। एक बार आप आओगे आप बार बार आओगे। हालेलुया। क्या लिखा है? दो अंधे हाँ जो सड़क के किनारे बैठे थे हाँ यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, सुनकर कि यीशु जा रहा है, बस उसने सुना कि यीशु जा रहा है यहाँ आगे, पुकार कर कहने लगे। वो बोला, अब वो देखो अंधा तो था, बहरा नहीं था, और उसने बोला, उसने मुंह खोला। जब हम यीशु के बारे में सुनते हैं तो हमें बोलना है। हम क्यों छिप रहे हैं, हम क्यों बैक जा रहे हैं, हम क्यों पीछे जा रहे हैं? नहीं, जरा यीशु मसीह के बारे में सुनो, अपने पड़ोसी को बताओ, अपने रिश्तेदारों को बताओ, हॉस्पिटल के दरवाजा मत बताओ, मेडिसिन के द्वार मत बताओ, हर एक चीज का द्वार मत बताओ, संसार मत बताओ, लेकिन मैं बोलूंगी यीशु का दरवाजा बताओ, यीशु के बारे में बताओ। जब उसने सुना तो उसने पुकार कर क्या कहा? हालेलुया। उसने पुकार कर, उसने तो उसको कोई बोलने नहीं है, उसको कोई सुसमाचार सुनाने नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक परमेश्वर की ग्रेस थी, इसके ऊपर एक परमेश्वर का फेवर था, उसने सुना।
हालेलुया यहाँ पे लिखा है। और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, उसने सुना कि यहाँ से आज यीशु जाने वाला है, आज हमारी गली से यीशु जाने वाला है, आज हमारे पड़ोस से यीशु जाने वाला है, आज हमारे शहर से यीशु जाने वाला है। हालेलुया 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 शंदरी खाले लिलिया बला 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 शंदरी खाले लिलिया बला 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 शंदरी खाले लिलिया बला 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 शंदर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आज आपको एक चीज और बताना है, चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति था वहां से भी इशू जाने वाला था, वहां से भी इशू जाने वाला है। एक चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति था, जो नाटा था, जो गुलर के पेड़ पे चढ़ रहा था, मैं बोलूंगी यीशु मसीह को देखने के लिए वो चढ़ा और वहां भी यीशु मसीह जा रहा था, वहां भी यीशु मसीह जा रहा था। हालेलुया। और यहाँ भी जो अंधा व्यक्ति है यहाँ भी यीशु मसीह जा रहा है। यीशु मसीह अगर आपके घर से जा रहा है क्यों जा रहा है, आपके साइड से जा रहा है क्यों जा रहा है? आपने वचन सुना, परमेश्वर का प्लान है, आपने प्रार्थना सुनी, परमेश्वर का प्लान है। ऐसे ही आप वचन सुनने नहीं आ गए, ऐसे आप प्रार्थना करने नहीं आ गए, ऐसे आप परमेश्वर में, ये परमेश्वर का प्लान है। वचन सुना, परमेश्वर का प्लान था, यहाँ पे एक परमेश्वर का प्लान था। और ये व्यक्ति जो चाहता था वो इसकी लाइफ में हो गया, ये व्यक्ति जो चाहता था वो इसकी लाइफ में हो गया, क्योंकि वो अंधा था और वो कब से वेटिंग में था। सोचो वेटिंग में था, क्या वेटिंग में? ये वेटिंग में था कि मैं कब चंगा होऊंगा। उसने क्या करा? उसने वेट करा। वो डॉक्टर के पास, वो वेदों के पास नहीं गए मेरे ख्याल से शायद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है, यह सुनकर यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगा, पूरा पढ़ दीजिए, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। हालेलुया हालेलुया। वो ऐसा नहीं होगा कि आज यीशु जा रहा आज हो गया, लेकिन देखो वो जब उसको पता चला कि आज यीशु जा रहा है, तो हो सकता है किसी ने बोला 6 दिन बाद जाएगा, किसी ने बोला 15 दिन बाद जाएगा, लेकिन वो वेट कर रहा होगा यीशु मसीह यहाँ से कब जाएगा, कब मेरी आँख खुलेगी, यीशु मसीह यहाँ से कब जाएगा, कब मेरी आँख खुलेगी। अब कल सोचा कल आएगा, यीशु नहीं आया, परसों नहीं आया, नरसों नहीं आया, ऐसे वो सोच के इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि यीशु कब जाएगा, यीशु कब जाएगा, मैं कब चंगा होऊंगा, मैं कब चंगा होऊंगा। आज कितने लोग सोचते हैं, कितने लोग तैयारी करते हैं, संडे कब आएगा, मैं वचन को कब सुनूंगी, मैं वर्ड ऑफ गॉड को कब सुनूंगा, संडे कब आएगा। क्या आज हम परमेश्वर के दिन का वेट करते हैं? आज क्या परमेश्वर को समय का इंतजार करते हैं? क्या परमेश्वर के फेवर का वेट करते हैं? उसने वेट करा, शायद 3 दिन हो गए, शायद 4 दिन हो गए, शायद 6 दिन हो गए, शायद 8 दिन, शायद महीना भर, और महीना भर के बाद यीशु वहां से जा रहा। उसने सोचा अब तो यीशु यहां पे नहीं आएगा, अब तो क्या लोगों ने तो बोला, मैंने से सुना है, लेकिन कंफर्म नहीं है मेरे को कि यीशु यहां से जाएगा। शायद पवित्र आत्मा को कहीं और ले जा सकता था, लेकिन यहाँ पे एक परमेश्वर का फेवर काम करा, यहाँ पे अंधे के ऊपर परमेश्वर की ग्रेस काम करी। यहाँ पे उसने क्या कहा, और वो वेट करते रहा कब जाएगा यीशु। लेकिन एक समय आया। आप सोच रहे कब मेरा बेबी आएगा, कब मेरा घर आएगा, कब मेरी जमीन आएगी, कब मेरा परिवार आएगा, कब मेरी शादी होगी, कब मेरी मैरिज होगी। मैं बोलूंगी आप जैसा चाहते है, आज आप क्या चाहते है कि आपके लिए हो, आज आप क्या चाहते है कि आपके लिए हो। कुछ लोग चाहते हैं ऐसा, मेरी मैरिज कब होगी, यीशु मसीह ने तो प्रभु के दास ने तो बोल दिया था इस साल होगी। क्या आप वेट कर रहे हैं रोज, क्या आप इंतजार कर रहे हैं? आप ऐसा बोल तो नहीं रहे कहीं कि मुझे इसकी शादी की नीड नहीं है, मुझे चंगाई की नीड नहीं है? तो आज जो आप बोल रहे हो आपके साथ हो रहा, आप आपके वर्ड्स के अनुसार फ्रूट्स को ले रहे हो। आप बोल रहे घर की जरूरत नहीं है, अब मैं प्रार्थना में अच्छा पढ़ रहा हूँ, आप अपने वर्ड्स के अनुसार फ्रूट्स को ले रहे हैं। मैं आप बोलना चाहती हूँ आप सही वर्ड्स का इस्तेमाल करें, सही शब्दों का इस्तेमाल करें। अपने शब्दों के द्वारा चंगाई आएगी, अपने शब्दों के द्वारा हर एक कार्य होगा, अपने शब्दों के द्वारा आपकी जॉब सफल होगा। अब हमें ज्यादा सैलरी की जरूरत नहीं है, नो, परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे जो ये व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगी, यह सुनकर यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगा, हालेलुया। उसने वेट करा, उसने इंतजार करा। हमें भी परमेश्वर के समय का, आज जब संडे आए तो इंतजार करना कब संडे आएगा, आज जब फ्राइडे आए तो इंतजार करना कब फ्राइडे आएगा, कब मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, कब मैं चंगा होऊंगा। हमें पूरे हफ्ते इंतजार करना। आपकी मैरिज का आप इंतजार कर रहे हो, मैं बोलूंगी आप सोचे अब मेरी मैरिज नहीं होगी, अब मेरी एज खत्म हो गई, कैंसर है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स बोल दिया कि आपकी आप नहीं ठीक हो सकता, आपको पूरी जिंदगी दवाई खाना। लेकिन यीशु मसीह ने बोला है कि मैं तेरे कैंसर को
हील करने जा रहा हूँ, मैं तेरे कैंसर को जड़ से हील करने जा रहा है। इसलिए वचन कहता है आज आप क्या चाहते कि यीशु आपके लिए करे, आज आप क्या चाहते हैं। बहन अगर आप बीमारी से पीड़ित है तो आप पूछिए, आज आप पूछिए आप क्या चाहते हैं, पूछिए अपने आप से पूछिए आज मैं क्या चाहूँ, यीशु तू मेरे लिए कर। मैं बोलूंगी परमेश्वर के समय का इंतजार करे, वेट करे, वेट करे। किसका वेट करना है? हमें सबसे पहले जब प्रभु वहां से जा रहा था वो इंतजार कर रहा, वो दो अंधे व्यक्ति इंतजार, शायद निराश होकर होंगे, एकदम से नहीं हुआ होगा, एकदम से बोला यीशु यहाँ से जाया, एकदम से नहीं, लेकिन उसने वेट करा, उसने इंतजार करा, परमेश्वर यहाँ से कब जाएगा, परमेश्वर यहाँ से कब जाएगा, कब जाएगा, कब मेरी गवाही आएगी, कब मेरी गवाही, कब मेरी ब्लेसिंग आएगी, कब मेरा कैंसर दूर हो जाए, कब मेरा पति मेरे पास हो जाएगा, कब मेरे टूटे रिश्ते जुड़ जाएंगे। मैं बोलूंगी कब ऐसा होगा, मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर के समय का वेट करेंगे, अब आपका इंतजार खत्म होगा, इंतजार खत्म होगा, इंतजार खत्म होगा, वेटिंग खत्म हो जाएगी, वेटिंग लिस्ट खत्म हो जाएगी, वेटिंग लिस्ट, फिर आपकी एक न्यू सीट मिलेगी, एक न्यू सीट मिलेगी, वो सीट आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी चंगाई, आपकी बरकत, आपकी, आप परमेश्वर के समय में चंगे होना चाहते हैं या आज आप चंगा होना चाहते हैं? आप परमेश्वर के समय, परमेश्वर के समय में चंगे होंगे, परमेश्वर के समय में आशीष आएगी, परमेश्वर के समय बेबी होगी, परमेश्वर के समय मैरिज होगी, तो क्या होगा, आप चंगे हो जाएंगे, आप चंगे। लेकिन आपको वेट करना है, आपको संडे का वेट, आपको रविवार का वेट, आपको शुक्रवार का वेट, आपको वचन का वेट, आपको इंतजार करना है, आपको वेट करना है, वेट करना है। इस वेटिंग को देखा, इसके अंधे की वेटिंग को देखा, यीशु मसीह अंधे की वेटिंग को देखा, ये कितना इंतजार करा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इसका टेस्ट लिया, फिर परमेश्वर ने इसकी परीक्षा ली। आज परमेश्वर हमारा टेस्ट करता है, परमेश्वर ने परीक्षा करता और क्या टेस्ट लिया इसका, यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है पूरा 30। और दो अंधे हाँ? जो सड़क के किनारे बैठे थे हाँ? यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे। उसका मीटिंग खत्म हो गया, अब उसको पता चल गया, पहले लोग उसने यीशु के बारे में सुना था। जब ऊपर हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, हालेलुया, लेकिन उसने वेट करा, यीशु जा रहा है, हालेलुया, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, यीशु जा रहा है लेकिन अभी गया नहीं है। लेकिन थोड़े समय बाद उसका इंतजार खत्म हुआ, और जैसे ही वो रोज, उसको कैसे पता कि यीशु उसी जा रहा है, हो सकता है वो खाना खाने चला जाए, हो सकता है वो सोने चला जाए, लेकिन कैसे पता चला उसको, वो रोज इंतजार कर रहा था। उड़ाओ का बेटा चला गया तो उसको कैसे पता उसका बेटा आ रहा, क्योंकि वो रोज वेट कर रहा था, रोज इंतजार कर रहा था। उड़ाओ पुत्र का जो पिता था वो रोज वेट कर रहा था उसका, कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। मतलब यहाँ पे अंधा वेट कर रहा था यीशु मसीह का, यीशु मसीह कब आएगा, यहाँ से कब गुजरेगा, यीशु मसीह कब आएगा, यीशु मसीह कब यहाँ से गुजरेगा। और वो समय आ गया, उसका वो इंतजार खत्म हो गया, उसका वो इंतजार खत्म हो गया। क्या हुआ, यहाँ पे यीशु आया, वहां पे भी उसका बेटा आया, यहाँ पे भी यीशु आया और इसका इंतजार खत्म हो गया। और परमेश्वर किसी और के लिए नहीं आया, ये इस अंधे व्यक्ति के लिए यहाँ पे आया, ये परमेश्वर का प्लान है। अगर आप इंतजार करोगे, हमें रोज चर्च जाना है, रोज जाओ, नहीं मिली चंगाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे जाओ कोई बात नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जाते जाओ और एक दिन चंगाई आपके हाथ में रहेगी, एक दिन घर की आशीष आपके हाथ में, आप गवाहियों देते हुए आप माइक पकड़ के गवाही दोगे परमेश्वर के भवन में। कंटिन्यू जा रही थी, कंटिन्यू, मेरा इंतजार खत्म हो गया, मेरा कैंसर हील हो गया, मेरी बेबी ब्लेसिंग ठीक हो गई, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, वो हो गया। क्योंकि आप जो चाहोगे वो आपके लिए होगा, आपका विश्वास के अनुसार होगा, आप जैसा चाहोगे। हालेलुया, क्या आज आप चाहते हो कि आपका टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, क्या आप चाहते हो कैंसर हील हो जाए, क्या आप चाहते हो बेबी ब्लेसिंग हो जाए, क्या आप चाहते हो आपका घर हो जाए, क्या आप चाहते हो हर एक काम हो जाए, आपके हर एक काम सफल हो, तो आपको वेट करना, आपको इंतजार करना है परमेश्वर के समय का। यहाँ पे क्या लिखा है, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, और उसने क्या पुकारा, हे प्रभु, हे प्रभु, आदर किया, स्पष्ट किया, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हम कौन है, यही दो, हालेलुया, दो अंधों की दृष्टि, दोनों अंधे की विलीस ने, एक अंधे ने दोनों दो के लिए बोला कि हम पर दया कर, हालेलुया। उसने इमोशनल नहीं किया, उसने कुछ में इतने समय से ऐसा हुआ वो कुछ नहीं किया, लेकिन उसने बस ये बस हम पे तू दया कर दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो बरकत देने वाला। क्या लिखा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला उसने यीशु मसीह को, हे दाऊद की संतान, पढ़िए, यीशु जा रहा था, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पे दया कर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, जैसे और भी लोग चर्च में आते हैं,
वैसे वहां भी यीशु के पास भीड़ थी, लेकिन वहां पे यीशु ने सुना नहीं उसकी बात को, उसकी बात को इग्नोर करा। अब इतना इंतजार करने के बाद आप बोल रहे हम तो इतनी दूर से आए प्रभु मैन ऑफ गॉड के पास, हम इतनी दूर से आए, लेकिन देखो ना हमारे लिए सिर्फ एक मिनट की प्रार्थना है और बहुत ध्यान भी नहीं दिया मैन ऑफ गॉड ने, और ध्यान भी नहीं दिया वुमन ऑफ गॉड ने। मैं आज आपको बताना चाहूँ, इस पर भी ध्यान नहीं दिया था। कैसे, मैं आपको बताऊंगी। और वहां पे जैसे यहाँ जैसे मीटिंग्स होती तो जो लीडर्स लोग रहते, जो चेले लोग रहते, वो बोलते आप पीछे हट जाओ, क्यों, कोई और लगा हुआ है लाइन में, आप पीछे लग गए। और ऐसा होता है कि मैन ऑफ गॉड चले जाते, वहां पे भी यीशु जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पुकार कर कहने लगे हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ पढ़िए 31, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, यीशु मसीह ने उसको इग्नोर कर दिया, लोगों ने डांटा कि चुप रहे कुछ मत बोल। अब वो तो उसके अंदर तो खलबली मच रही, उसके अंदर तो यहाँ से तो यीशु जा रहा है, अब ये चले जाएगा, अब मैं चंगा कैसे होऊंगा, अब मैं हील कैसे होगा, अब मेरी आशीष कैसे। आज आप सोचो, आज आप जाओ और आप ये सोचो आज चंगे हो जाओ, नो, आज आप मसीह में आए, आज आप चंगे हो जाए, आज आप मसीह में आए, आज आपके पति की नशे छुट जाए, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप कितना इंतजार करते, कितना वेट करते। एक घर बनाने वाला व्यक्ति कितना इंतजार करता, कितनी आशाओं को रखता। हालेलुया, इसने भी ये आशा को उत्पन्न कर अपने जीवन में, आशा को, वो देख तो नहीं सकता था, वो बोल ही सकता था और सुन ही सकता था, तो लोगों ने उसको डांटा। यहाँ पे यीशु मसीह के जो चेले थे वहां पे बोल रहा हम पे दया कर, हम दोनों अंधे हैं, हमारी आँख खोल दे। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है लोगों ने डांटा, चले जाओ। लेकिन क्या हुआ, उसने बुरा नहीं माना। यीशु मसीह ने इग्नोर करा, उसने बुरा नहीं माना, चेलों ने डांटा तब भी बुरा नहीं माना, लोगों ने डांटा और बोला चुप रहे, क्या बोला चुप रहे। लेकिन वो जानता था ये काम किसका था, वो जानता था ये चीज किसकी थी। यहाँ पे लोगों ने डांटा चुप रहे। हाँ आगे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, लेकिन आज क्या होता है, चले जाओ, चले गए, आप ही ने तो बोला था हमको चले जाओ इसलिए हम आ गए। इसने क्या दिखाया, इसने दिखाया कि मुझे चंगे होने की भूख है, इसने दिखाया मेरे अंदर डिजायर है, भूख है चंगे होने की। इसी में तो तेरा वेट कर रहा था, इसी में तो तेरा इंतजार कर रहा था, तू आएगा मेरे पर हाथ रखेगा मैं चंगा हो जाऊं। लेकिन यहाँ पे तेरे चेले मुझे डांट रहे, यहाँ पे तेरे चेले मुझे चुप कर रहे, यहाँ पे तेरे चेले मुझे भगा रहे। लेकिन क्या हुआ, उसकी भूख और बढ़ती गई और बढ़ती गई। वो चुप नहीं रहा। यहाँ पे लिखा है लोगों ने उसे डांटा, उसने बुरा नहीं माना, लोगों ने डांटा, चेले ने हटाया। अब मैं चर्च नहीं आऊंगा ऐसा नहीं बोला, अब मैं आपके चर्च नहीं आऊंगा ऐसा नहीं बोला, अब मैंने आपकी कलीसिया में ऐसा होता मैं नहीं आऊंगा, उसने ऐसा नहीं बोला। प्रभु देख तेरे चेले मुझे डांट रहे, देख चेले मुझे चिल्ला रहे, वो डांट तो रहे, वो बोले चुप रहे, बोल मत कुछ ऐसा भी बोल रहे। लेकिन यहाँ पे वचन क्या पता है, लोगों ने डांटा, चेले ने डांटा, चुप रहे। वो चुप नहीं रहा, उसकी तो भूख बढ़ती गई, उसके अंदर तो हलबली हो रही थी, उसके अंदर तो हलबली मच रही थी। अब मुझे तो चंगा होना है, इसी से जा रहा है, अब मुझे चंगा होना है, इसी से जा रहा है, अरे इसी से निकल रहा है, अरे मेरा बेटी का समय खत्म होने वाला है, अब मैं कैसे चुप रह सकता। मैंने इंतजार करा, मैंने वेट किया, मैंने लोगों से सुना कि यीशु यहाँ से जा रहा है, यीशु गली से जा रहा है। मैं कैसे चुप रह सकता, वो बोल रहा है मुझ पर दया कर। क्या आज हम बोलते यीशु तू मुझ पर दया कर, यीशु दया कर। वेट करते, क्यों नहीं हो चंगे, डॉक्टर के पास चले जाओ, नहीं हो चंगे इधर चले जाओ। हालेलुया, वो डॉक्टर के पास नहीं गया, वो मुड़ गया, क्या हुआ, वो गया नहीं, अरे मना कर दिया मेरे को तो, मैंने गॉड से प्रार्थना करानी थी, मुझे मना कर दिया, मुझे अब मैं नहीं जाऊंगा चर्च, अब मैं लाइव नहीं देखूंगा। परमेश्वर चाहता है अपने समय पर चंगे होने के लिए, क्या चाहता है, अब अपनी मर्जी, अब हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी में जीना चाहते हैं। हालेलुया, एक बात बताना चाहती हूँ आपको, स्टार्टिंग के समय में जब मैं अपने सर से प्रार्थना करानी थी और वही बातों के लिए मैंने बहुत बार प्रार्थना करानी थी, सर बोलते नहीं अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा आपके लिए, आप खुद आपके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, आप खुद अपने समय में चंगे होंगे, आप खुद अपने समय में रिजल्ट को देखेंगे।
हालेलुया। मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ आपको, यहाँ पे ये अंधे ने इंतजार किया, वेट किया। आज लोगों से इंतजार नहीं होता, आज लोगों से वेट नहीं होता। अगर उन्हें मना करा है तो कोई प्लान होगा, कोई मना करा कोई चीज होगी। क्यों, क्या? यहाँ पे लिखा है लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्ला चिल्ला कर बोले। पूरा पढ़िए, लोगों ने डांटा कि चुप रहे पर... लेकिन वो चुप नहीं रहा। लोग डांट रहे, वो चुप रहे नहीं रहा। लोग डांट रहे, चुप रहे नहीं रहा। क्या लिखा है, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्ला कर बोले। क्यों बोले? क्योंकि उसके अंदर भूख थी चंगे होने की, उसके अंदर इच्छा थी चंगे होने की, कि उसने वेट करा ये दिन आने के लिए, ये समय आने के लिए इंतजार करा कि यीशु यहाँ से जाएगा यीशु, क्योंकि उसकी जो खुशबू थी वहाँ फैल गई थी, उसकी खुशबू थी वहाँ पे सुनाई दे रही कि लोग चंगे हो रहे, लोग हील हो रहे। अब मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ, अब मैं कैसे चुप बैठ सकती हूँ। हालेलुया। जब चेले डांटे चुप नहीं रहो, जब चेले डांटे चुप नहीं रहो, वहाँ पे वो चुप नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारी यही भूख है कि हम चुप हो जाए? हमारी यही चीज है यीशु मसीह की, कि किसी के डांटने से हम चर्च नहीं आए, प्रार्थना में नहीं आए, लाइव में नहीं आए, संगति में? नो। यहाँ पे क्या लिखा है, लोगों ने डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्ला कर बोले, हे प्रभु। देखो पहले क्या हुआ था, यहाँ पे हम ऊपर पढ़ते है, पहले भी सुनिएगा, प्रभु दाऊद की संतान हम पे दया कर। लेकिन चेलों ने डांटा कि चुप रहे, लेकिन वो और भी चिल्लाने लगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा, पर वे और भी चिल्ला कर बोले, हाँ हे प्रभु, हे, यहाँ से पढ़ना 31, लोगों ने डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्ला कर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। पहले भी बोला वो दया कर, मतलब वो चुप नहीं हुआ, उसके अंदर चंगे होने की इच्छा थी, उसके अंदर देखने की इच्छा थी, उसके अंदर देखने की डिजायर थी, उसके अंदर भूख थी, उसके अंदर प्यास थी। यदि आपके अंदर भूख होगी, यदि आपके अंदर प्यास होगी, यदि आपके अंदर जिज्ञासा होगी, तो मैं बोलूंगी आज आप क्या चाहते कि यीशु आपके लिए करे। यदि आप चंगे होना चाहते अपनी भूख को बढ़ाओ, यदि आप चंगे होना चाहते अपनी प्यास को बढ़ाओ, यदि आप चीजों को करना चाहते अपनी प्यास को बढ़ाओ। चुप ना रहे, आज आप चुप ना रहे। चिल्ला यीशु मुझे चंगा करने वाला है, चिल्ला यीशु मुझे हील करने वाला है, हे प्रभु मुझ पे दया करे, हे प्रभु मुझ पे दया कर। उसने चिल्लाना नहीं छोड़ा, उसके अंदर की भूख उसको उबाल रही थी, उसके अंदर भूख थी चंगे होने की, उसके अंदर प्यास थी। उसको किसी ने आके नहीं बोला, उसको किसी ने भी आके नहीं बोला कि तुझे आज यीशु चंगा करेगा, तेरी आंखों की यीशु छुएगा। उसको किसी ने नहीं बोला, उसने तो सुना है बस। हमने तो यीशु के बारे में सुना है, हम चर्च आ गए और हम चंगे हो गए, सुना ही ये सब। यहाँ पे भी इसने सुना था और लोगों ने उसे डांटा, चेले से डांट रहे, लेकिन वो बात नहीं मान रहा, क्योंकि उसके अंदर तो भूख उमड़ रही, उसके अंदर तो प्यास उड़ रही। लोगों ने डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्ला कर बोला, और भी ऊंचे शब्द से बोला, क्योंकि उसके वो वेट कर रहा था यीशु यहाँ से कब जाए। अब मैं ये चीजों को कैसे जाने दूं, अब मैं अपने हाथों से कैसे जाने दूं? अगर यीशु यहाँ पे से चला गया, ये मौका चला जाएगा, ये अच्छा मौका चला जाएगा मेरे हाथ से। हालेलुया। लेकिन क्या वो लोग उसको भगा रहे होंगे, डांट रहे होंगे, गलत व्यवहार कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी चीजों पर अड़ा रहा, वो अपनी चीजों पर खड़ा रहा और वो सोच रहा नहीं यीशु मुझे चंगा करेगा। परमेश्वर यीशु यहाँ पे आया है, परमेश्वर का कुछ ना कुछ प्लान है। और मैंने जब ये वर्स सुना है तो कुछ ना कुछ तो योजना होगी। अभी क्या लिखा, लोगों ने डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी चिल्ला कर बोलने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पे। वो बोलने लगा, पहले भी बोला दया कर, अभी बोला दया कर, मतलब पहले इग्नोर कर दिया। हालेलुया। पहले इग्नोर, यीशु ने नहीं सुना, यीशु ने क्या करा, नहीं सुना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड बार जब बोला ना तो यीशु ने सुना है, यीशु बोला। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पे दया कर। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, दया कर मेरे ऊपर, मैं बीमारी में हूँ, मेरी आंख से नहीं दिख रहा, मैं कमजोरी में हूँ, मैं निर्बल हूँ, लेकिन परमेश्वर आप मेरे पे दया कर सकते, परमेश्वर आप मेरे ऊपर ग्रेस कर सकते, परमेश्वर आप मुझ पर अनुग्रह कर सकते। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 10। देखो यहाँ पे 48 में लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा, 10 उसका 48, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, कि चुप रहे,
पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोग उसको बोल रहे थे तो चुप हो जा भाई, तो चुप हो जा, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा। ये चुप नहीं होना क्या है, वो उसकी भूख को दिखा था, उसको चंगा होना था। आज तो मैं चंगा होके ही जाऊंगा, आज तो मैं अपनी आंख से जो अंधा है वो मैं अपने अंधे को दूर करते, मेरी आंखों में रोशनी आएगी, मेरे अब तो रोशनी को लेके जाएगा। हालेलुया, मैं अपनी रोशनी को लेके लाऊंगा, मैं अपने चमत्कार को लेके जाऊंगा, मैं आज अपनी हीलिंग को लेके। जो ये सोच के चर्च आता है तो वो अपनी हीलिंग को लेके ही जाएगा, जो ये सोच के चर्च आता है डिलीवरेंस को लेके जाएगा, वो जो सोच के चर्च आता है कि यीशु मसीह मुझ पर दया करेगा, जो ये सोच के आता है कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, यीशु मसीह मुझे हील करेगा, यीशु मसीह मुझसे आशीष करेगा, यीशु मसीह मेरे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ेगा, तो मैं बोलूँ घर जाते जाते उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आ जाएगा, घर जाते जाते ब्लेसिंग आएगी, आशीष आएगी, बरकत। क्यों? कि उनका भरोसा यीशु पर है, उनका भरोसा चेलों पर है। चेलों ने डांटा, इग्नोर कर दिया। लोग डांट रहे, इग्नोर कर, उन्हें बुरा नहीं लगा क्योंकि उनको तो चंगा होना था। हालेलुया। परी 48, लोग बहुत देर से डांटा, बहुत लोगों ने डांटा लेकिन बुरा नहीं माना, बुरा नहीं माना उसने। हालेलुया। बहुत लोग डांट रहे थे, चुप रहे, लेकिन वो उसने बुरा नहीं माना। आगे बहुतों ने से डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, और भी जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। वो क्या कर रहा है? वो मेहनत कर रहा है चंगे होने के लिए। वो क्या कर रहा है? वो बोल रहा है, ऊंचे शब्द से बोल रहा है, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। हालेलुया। हाँ, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या कर? मुझ पे दया कर। वापस यहीं पे आ जाएगी, उसी पे हाथ रखना, यहीं पे आ जाएगी। मत्ती, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। 32, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा। यीशु ने खड़े होकर क्या करा? उन्हें बुलाया। मतलब यीशु मसीह एक प्लान में चलने वाला व्यक्ति है। यीशु मसीह ने खड़े होकर बुलाया कि ये कौन व्यक्ति है, इसको बुलाए। यहाँ पे क्या लिखा है? तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा। तुम यीशु ने खड़े होकर क्या हुआ? सबसे पहले उसको बुलाया। हालेलुया। देखो यहाँ पे वापस से आइए, मरकुस पे आइए, 49 पढ़िए। तब यीशु ने ठहर कर कहा। यीशु मसीह उसके लिए रुक गया। वहां भीड़ जा रही थी, वो भी जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो चिल्ला रहा था, जैसे ही पुकार रहा था, यहाँ पे मरकुस 10 उसका 49 में लिखा हुआ है। तब यीशु ने ठहर कर कहा। ठहर मतलब रुक गया यीशु मसीह उसके लिए। आज हमारे लिए यीशु मसीह रुकेगा यदि हमें चंगाई चाहिए। वो भाग रहा था यीशु के पीछे, दया कर, वो भाग रहा था, लेकिन यीशु मसीह उसके लिए ठहर गया। यदि आप यीशु के लिए भागोगे, यीशु मसीह के आपके लिए ठहर जाएगा, आपको चंगाई देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। वो ठहर गया। यहाँ पे लिखा है पर 49, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। आज जो चंगा होना चाहता है ना, यीशु मसीह बोलता है उसे बुलाओ। हाँ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाड़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है, आज आपको यीशु मसीह बुलाता है अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने स्वर्ग में। यीशु मसीह आपको, वेट करो, ठहर जाओ, उठ उठ, आज तक उठ जा, अपनी बीमारियों से उठ जाओ, अपनी कमजोरी से उठ जाओ, अपनी निराशा से उठ जाए, अपनी जिंदगी से उठ जाओ। मैं बोले परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको बुला, उठ, वो तुझे बुलाता है। ये यीशु मसीह आपको बुलाने है। यीशु मसीह आज आपको किसी व्यक्ति को नहीं, यदि आप वफादार है, यदि आप ईमानदार है, यदि आपको बुरा नहीं लगता किसी बात का, यदि आप ऐसा बोलेंगे मुझ पे दया कर यीशु मसीह, मुझ पे दया कर, वो आपको बुलाएगा, वो आपके लिए रुकेगा, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं रुकेगा, वो आज बहन आपके लिए रुकेगा, वो भाई आपके लिए। आज आप क्या चाहते हो यीशु से? आज आप क्या चाहते हो? आप कैंसर से हील होना चाहते हो? यीशु मसीह आपके लिए उठेगा, यीशु मसीह आपके लिए उठेगा। टूटे रिश्ते हो, टूट गए आपके रिश्ते, मैं बोलूंगी यीशु मसीह आपके लिए उठेगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। 49 पूरा पढ़िए। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। ढाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। कौन बुला रहा है? यीशु मसीह आपको बुला रहा है। हालेलुया। कौन बुलाता है? यीशु मसीह आपको बुलाता है। यदि आप वेट करेंगे यीशु मसीह का, इंतजार करेंगे, परमेश्वर के टाइम पे चंगे होना चाहेंगे।
हालेलुया, डॉक्टर के पास नहीं भागेंगे। मैं बेकार गलत नहीं बोल रही, आप जा सकते हैं क्योंकि आप अपने विश्वास के अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन मैं बोलूंगी यहाँ पे इसका जो विश्वास था, यीशु मसीह था, ये वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब यीशु मसीह मुझे देखे, कब यीशु मसीह मुझे आवाज दे, क्योंकि लोगों को जैसा चंगा कर रहा था वो भी चंगा होना चाहता है, उसके अंदर चंगी होने की इच्छा थी, उसके अंदर चंगी होने की भूख थी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तब यीशु ने ठहर यीशु मसीह उसके लिए रुक गया। ये कौन है जो बार बार चिल्ला रहा है, ये कौन है बार बार बोल रहा है हे यीशु नासरी मुझ पे दया कर, हे यीशु नासरी मुझ पे दया कर। कानों में धीमी सी आवाज, क्योंकि भीड़ थी उस कारण बहुत लाइट आवाज आती होगी, लेकिन जब उसने और जोर से उसकी उसका जो शोर था, उसकी जो आवाज थी वो और बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई। फिर यीशु मसीह कानों में एकदम क्लियर आ गई आई आवाज, हे यीशु नासरी मुझ पे दया कर। हे जब आप बोलते जाओगे आने वाले दिन आपकी आवाज परमेश्वर के कानों में पहुंचेगी, आने वाले दिन में आपकी आवाज कानों में कहिए परमेश्वर के लिए वफादार है, परमेश्वर के लिए ईमानदार है, आपकी जो उसकी आवाज है ना परमेश्वर कानों की। भीड़ थी, जब कई भीड़ होती है हमें आवाज सुनाई नहीं देती है, देती है नहीं देती है, लेकिन इसकी आवाज कैसे पहुंची इसकी आवाज, क्यों? क्योंकि इसने अपनी भूख को जगाया, इसने अपने प्यास को, और ये रियल में चंगा होना चाहता है। क्या सच में चंगा होना चाहते, क्या आज आप एक बार वचन सुन रहे हैं, आज ही आप चंगा होना चाहते, एक बार प्रार्थना, क्या आप चंगा क्यों होना चाहते, आप चंगा होना क्यों चाहते हैं? इसने खुद तो चंगा हुआ, जो उसके साथ में एक और व्यक्ति था, वो भी दो अंधे की बात हो रही है यहाँ पे, एक अंधे की बात नहीं, ये दो व्यक्ति अंधे थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तब यीशु ने ठहर कर रुक गया, वो भीड़ के साथ चल रहा था, ठहर गया और कहा उसे बुलाओ। आज यीशु मसीह आपको बुलाता है चंगा होने के लिए। यीशु मसीह आपको क्यों बुलाएगा, आप चंगे हो, आप हील हो, आप ब्लेस हो, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो, आपकी हर एक टूटी वजह से जुड़ जाए, आपका तलाक कैंसिल हो जाए, आपका कैंसर चले जाए, आपका टीबी चले जाए, वो आपको इसलिए बुलाता है। और यहाँ पे लिखा है उसने रुक गया यीशु मसीह, हाँ आगे, और लोगों ने उससे अंधे को बुलाकर उससे कहा ढाढ़स बांध, रुक, देख यीशु तुझे बुला रहा है, ढाढ़स बांध, रुक जरा, तुझे बुला रहा है वो। उसके अंदर तो खुशी का माहौल होगा, उसके अंदर तो हलचल, यार यीशु मसीह मुझे बुला रहा है। कितने व्यक्ति के पास यीशु मसीह खुद आया, हालेलुया, और ये है जो यीशु मसीह को बुला रहा, तू मेरे पास आ, हालेलुया। यीशु मसीह ने इसको बुलाया, मेरे पास आ मेरा बेटा, मेरे पास आ मेरे बच्चे। आज यीशु मसीह हमें बुलाता है, हमें सीने से लगाता है, गॉड्स लव है वो, परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर का प्रेम है, आज परमेश्वर से प्रेम करना चाहता है, अब परमेश्वर को लव, वो पास बुला रहा है। आज यीशु मसीह आपको पास बुलाना चाहता है। यदि आप पास नहीं आओगे तो आप चंगे नहीं होंगे। आप क्या सोच रहे हो वहीं बैठे बैठे चंगे, आज आप क्या घर में बैठे बैठे चंगे होना चाहते हो, कि आज घर में बैठे बैठे चंगा होना चाहते, जॉब में बैठे बैठे नहीं, वहां पे यीशु मसीह उसको बुलाया। क्या लिखा यहाँ पे, यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। आज यीशु मसीह आपको चर्च में बुलाता है, मीटिंग में बुलाता है, लाइफ में बुलाता है, लेकिन आप नहीं आते, क्यों? आप नहीं चंगे होना। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया, ये व्यक्ति आ गया, ये व्यक्ति तुरंत आ गया। यीशु मसीह जब आपको बुलाए तब आना है। आप उसको सोचो, चाहे आपका मैन ऑफ गॉड का फोन है, किसी विश्वासी बहन का, कि आज आपको चर्च आना है, आप ये मत सोचो वो बहन मुझे बुला रही है या वो भाई मुझे बुला रहे हैं, उसके अंदर से परमेश्वर बात कर रहा है, वो यीशु मसीह आपको बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? क्या आज आप चाहते हो आप चंगे हो? हालेलुया, आज आप क्या चाहते हो कि आप चंगे हो? आज आप चाहते हो आप चंगे हो, तो आज जब यीशु मसीह बोले तो आपको करना है। आज आप क्या चाहते हो कि यीशु आपके लिए करे? आज आप क्या चाहते हो यीशु आपके लिए करे? तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, जब यीशु मसीह आपको बुलाए तुरंत आ जाना है। चाहे आपका एक्सीडेंट हो चुका है, चाहे आपको कोई सी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो, तो मैं बोलूँगी जब यीशु बुलाए तब आ जाओ। आपको कॉल सेंटर वाला ब्रदर, कॉल सेंटर वाली सिस्टर, कलीसिया में भाई बहन आपको बोले कि आज आपको चर्च आना है, तो मैं बोलूँगी उठो, प्रभु आपको बुलाता है। कोई पास्टर नहीं बुला रहा है, कोई मैन ऑफ गॉड नहीं बुला रहा है, कोई वुमन ऑफ गॉड नहीं बुला रहा है, कोई सिस्टर नहीं बुला रहा है, कोई ब्रदर नहीं बुला रहा है, कोई कजन ने नहीं बताया है, लेकिन यीशु बुला रहा है। यहाँ पे जब ये कब चंगा हुआ, इतनी देर से ये मेहनत कर रहा, बैठे बैठे मेहनत कर रहा, अरे दया कर, लेकिन नहीं। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने इसकी आवाज़ को सुना, हालेलुया, परमेश्वर हमारी मेहनत को देखता है कि सच में ये चंगा होना चाहता, सच में ये परमेश्वर की आशीष की वफा लेना चाहता कि नहीं चाहता, या ऐसे आ गया। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने उसको चेक करा। क्या लिखा यहाँ पे, तब यीशु ने ठहर कर कहा उससे बुलाओ। आज यीशु मसीह जब आप चंगे होंगे, सबसे पहले वो आपको चर्च बुलाएगा,
अब घर बैठे बैठे चंगे नहीं हो पाएंगे, अब घर बैठे बैठे हील नहीं होंगे, घर बैठे बैठे आपके रिश्ते नहीं जुड़ेंगे, घर बैठे बैठे आपके तलाक कैंसिल नहीं होंगे। लेकिन यीशु मसीह आज आपको चर्च में बुलाता है। अगर बहनों आपके चर्च चालू हो गए, अपने चर्च को जाओ, आपके कलीसिया चालू हो गए, अपनी कलीसिया को जाओ। हालेलुया हालेलुया। इन दिनों बहुत सारे अगर आपके चर्च में पास्टर लोगों की डेथ हो गई, तो मैं बोलूंगी पास्टर की वाइफ को इनकरेज करो, मैम आप चर्च चलाएंगी, आप कलीसिया के लोग उनको इनकरेज करें, मैम आज से आप चर्च चलाएंगी, आप हमारी पास्टरनी साहिबा है, आप चर्च चलाएंगी। क्योंकि मैंने इन दिनों सुना है बहुत सारे जो पास्टर चर्च चलाते थे उनकी डेथ हो चुकी है, वो हट चुके। आप सोच रहे हम कहाँ जाए, नहीं उसी कलीसिया में बने रहे, और वो पास्टरनी साहिबा को आप इनकरेज करें, एम्बेरस फील ना करें, एम्बेरस ना कराए, लेकिन आप बोले आप चर्च चालू करें, हम आएंगे, हम आपकी कलीसिया है, हम आपकी कलीसिया में बैठेंगे। और मैं बोलूंगी जब आप बैठेंगे आपकी कलीसिया बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होगी। हालेलुया। लेकिन अपने चर्च को ना छोड़ो, अपने पिता के घर को ना छोड़ो, आप उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो, परमेश्वर के घर को ना छोड़े। हालेलुया हालेलुया। आज मैं आपसे बोलना, परमेश्वर आपको बुला रहा है, कहाँ बुलाएगा, उठ मेरे पास आ, परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर के पास आना मतलब उसके घर में आना, उसके परिवार में, उसके चर्च आना है। आज आपकी जब चर्च चालू होगी तो आपको जाना है। आप ये ना सोचिए अब मैं लाइव भी बैठे बैठे देख लूंगी, नो नो लाइव नहीं। हाँ आप आ सकते हो हफ्ते में एक बार लाइव देखने, हालेलुया। और जो लोगों को कहीं नहीं है वो लोग कंटिन्यू, आप लोगों को कंटिन्यू देखना है। हाँ लेकिन संडे में जो एक दिन आपको मिलता है आपको अपने भवन में होना है, आपको अपने चर्च में होना है। हालेलुया हालेलुया। आज मैं आपसे क्या बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके चर्च चालू हो गए आप अपने चर्च भी जाएं और आप लाइव भी देखें, क्योंकि अगर जो लोग ज्यादा वचन सुनेंगे उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, उनकी चंगाई ज्यादा होगी, उनकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, यीशु ने ठहर कर कहा, आज यीशु मसीह आपके लिए ठहरेगा, वेट करेगा, हाँ ठहरेगा, रुकेगा, हाँ ठहर कर कहा उससे बुलाओ। आज परमेश्वर आपको बुलाता है, बहन आपको बुलाता है, भाई आपको बुलाता है। आगे और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, रुक जा, चढ़ जा, ढाढ़स बांध, वेट कर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा, रुक जा ना, इस बार आया कोई बात नहीं हुआ, अगली बार होएगा, ढाढ़स बांध, रुक, होएगा, यीशु चंगा करेगा, यीशु हील करेगा, यीशु ब्लेस करेगा, ढाढ़स बांध, वेट कर। हाँ लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, लोगों ने नहीं था ये, परमेश्वर ने इसको बुलाया। ऊपर क्या लिखा, लोगों ने, अब वो व्यक्ति क्या सोच रहा है लोग बुला रहे, लेकिन वहां तो यीशु बुला रहा था। आज आप सोच रहे लोग आपको बुला रहे, लेकिन यीशु आपको बुला रहा है। आपको कौन बुला रहा है, चर्च कौन बुला रहा है, लाइफ में कौन बुला रहा है, लोग नहीं, यीशु है, यीशु है, पीछे से यीशु काम कर रहा है। यीशु ने बोला उठ, यीशु रुका उसके लिए, और यीशु ने बोला लोगों को बुलाओ, तो लोग उसके पास गए। आज जब मैन ऑफ गॉड बोलता है, कलीसिया के लोग बोलते, तो वो नहीं, उनके पीछे यीशु बोल रहा है कि इनको बुला, इस मैन को बुला। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग ये बात से सहमत है, ढाढ़स बांध, उठ, और वो तुझे बुलाता है। लोगों ने उससे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, रुक, वो तुझे बुला रहा है। कहा चर्च में, वो तुझे बुला रहा है भवन में, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं चंगी होंगी, मैं तो होना ही नहीं चाहती चंगी, मैं होना ही नहीं चाहती, मैं डिलीवर होना ही नहीं, क्योंकि बारिश आ जाती है, बारिश ने मुझे रोक के रखा हुआ है, गर्मी ने मुझे रोक के रखा हुआ है, ठंड ने मुझे रोक के रखा है, रिश्तेदार ने मुझे रोक के, अरे मेरे घर में रिश्तेदार आ गए, अरे मेरे घर में मेरी मम्मी आ गई, अब मेरी नानी आ गई, मेरी मौसी आ गई, अब वो आपको चंगा करेगी, अब वो आपको हील करेगी, वो चार गंदी बातें बोल की जाएगी, और सपने में वही बातें गूंजती, अरे हम वचन पढ़ रहे, अरे हम प्रार्थना ऐसे क्यों हो रहे। आप संडे में आपने किसके साथ बताया, नानी के साथ, मौसी के साथ, दीदी के साथ, दादी के साथ, चाची के साथ, वो आपको चंगा करेगा। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ आप बिताओगे समय, यीशु मसीह का आदर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, वो बोलेगा उठ और आ भवन में, मैं बोलूंगी आपको यीशु मसीह के ड्रीम आएंगे आपको, और मंडे होते होते आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी, मंडे होते होते चंगाई हो जाएगी, मंडे होते होते आशीष हो जाएगी। क्यों, वाई, क्योंकि आपको भवन में होना है, आपको अपने घर में होना है, आपको अपने परिवार में होना है। छह दिन आपको जो करना है करो, लेकिन जो सातवां दिन है वो आपको क्या करना है, परमेश्वर घर में, वही आपको चंगा कर सकता। कोई मनुष्य आपको थोड़े टाइम तक अपने घर में रख लेगा, थोड़े टाइम दिलासा दे देगा, हाँ नहीं इमोशनल ठीक हो जाएगी, लेकिन संपूर्ण चंगाई वही दे पाएगा। इसको संपूर्ण चंगाई वही दे पाया, उसने बोला रुको, वेट करो, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। आज ढाढ़स बांध बहन, वेट कर, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। यीशु मसीह आपको क्यों बुला रहा है, यीशु मसीह मुझे क्यों बुला रहा है,
ताकि आप चंगे हो जाए, ताकि आप अपनी बीमारी से छूट जाए, अपनी दुर्बलता से छूट जाए, अपनी कमजोरी से छूट जाए, अपनी समस्या से छूट जाए, अपनी निराशा से छूट जाए, अपने झगड़े से छूट जाए। जब आप आएंगे आपका हस्बैंड ड्रिंक करना छोड़ देगा, जब आप आएंगे आपकी आपकी पत्नियां व्यभिचार की स्थिति से छूट जाएगी, हर एक बंधन छूट जाएगा, आप आजाद हो जाएंगे, आपका बच्चा अब नॉर्मल है वो चला जाएगा, आपके बच्चे अब नॉर्मल है वो अब नॉर्मल की स्प्रिट चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। उठना है, वेट करना है, इंतजार करना है 6 दिन के बाद 7वें दिन का। वो उठा, वेट कर, रुक, उठ, और वो तुझे बुलाता है। वो कौन है? वो मेरा यीशु है। वो कौन है? वो जिंदा परमेश्वर है। वो कौन है? वो मेरा यीशु नासरी मुझे बुलाता है। संडे के लिए इंतजार कर। आज संडे को हम शादी में जाएंगे, आज हम संडे को हम चर्च नहीं आ सकते, बारिश आ गई इसलिए हमको रोक दिया। वचन कहता है कौन हमको परमेश्वर के भवन में जाने से रोक, कौन हमको मसीह के प्रेम में आने से रोक सकता है। हालेलुया, हाले। जब आपका पेशेंट आईसीयू में है आप तब भी बोलेंगे मैं चर्च नहीं आ सकता, मैं शादी में नो, तब आप बोलेंगे पास्टर जी प्रार्थना कर दो ना, पास्टर जी प्रार्थना कर दो ना, पास्टर जी। लेकिन तब मैं बोलूंगी पास्टर की प्रार्थना फेल नहीं हुई, आप कैसे जीवन बिता रहे वो फेल हो गए। यहाँ पे इसने भूख को जगाया, यहाँ पे इसने प्यास को जगाया, ये अंधा था। सोचो बीच में गाड़ियां आती, बीच में कुछ होता था, पहले किसी में रेलगाड़ी आती थी, ये सब होता था, हो सकता था, लेकिन वो अंधे को परमेश्वर ने बचा के रखा क्योंकि उसने वेट करा, उसने इंतजार करा। परमेश्वर यहाँ से कब जाएगा? उसने वेट करा, सॉरी यीशु मसीह यहाँ से कब जाएगा? यीशु मसीह यहाँ पे कब जाएगा? उसका साथ वाला साथ थोड़ा दुखी हो गया, अरे रुकना यीशु मसीह यहाँ से जाएगा, अरे मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए यीशु मसीह यहाँ से, अरे मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए यीशु मसीह यहाँ से जाएगा। लेकिन उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ, वो इंतजार करता रहा करता रहा, तब भी यीशु मसीह ने इग्नोर किया, सेकंड बार भी यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया। लेकिन धीमी सी आवाज आई यीशु मसीह को, अरे हे यीशु नासरी मुझ पे दया कर, हे यीशु नासरी मुझ पे दया कर। फिर यहाँ पे क्या, वो ठहरा और यीशु मसीह बोलता उससे बुलाओ। आज यीशु मसीह आपको कहाँ बुला है? यीशु मसीह आज आपको चर्च में बुलाता है, यीशु मसीह आज आपको मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में बुलाता है, उसके भवन में बुलाता है। और वो कहां आपको चंगा करेगा? वो आपको पास बुला के चंगा करेगा। वो आपको दूर से चंगा नहीं करने वाला परमेश्वर है, वो आपको पास बुलाएगा, अपनी जगह पे, अपने पवित्र स्थान में, अपनी उपस्थिति में चंगा करेगा। और क्या हुआ जब यीशु मसीह ने उसको बोला ना, जब यीशु मसीह ने उसको बोला वापस से आई यहीं पे, और यहाँ पे 32 पढ़ दीजिए, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए, आज आप क्या चाहते हो बहन कि आप आज यीशु मसीह आपके लिए करें, आज आप क्या चाहते हो? आज अपनी बीमारी से छूटना चाहते हो तो आपको चर्च जाना ही होगा, आपको भवन जाना होगा, आपको वेदी के पास जाना। शैतान नहीं चाहता भवन न जाए, शैतान नहीं चाहता परमेश्वर के पास जाए, शैतान नहीं चाहता उपस्थिति में जाए, शैतान नहीं चाहता संगति में जाए, शैतान नहीं चाहता वर्शिप को सुने, शैतान ये चाहता है घर में बैठे बैठे आराम से लाइफ को सुने, घर में बैठे आराम से वचन। अब हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं, हम तो आराम से मोबाइल में देख सकते हैं, हम मोबाइल में देख सकते हैं, हम मोबाइल में काम कर सकते हैं। मैं बोलूंगी नहीं, अगर आपके चर्च चालू, अगर ये चालू हो गए तो आपको जाना है। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या बोला, लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उसे कहा ढाढ़स बांध उठ, वह तुझे बुलाता है। ढाढ़स बांध बहन, ढाढ़स बांध भाई, वह तुझे बुलाता है। ढाढ़स बांध उठ, वह तुझे बुलाता है। आज हमें उठना है, किसके लिए? चर्च के लिए जाना है, इग्नोर नहीं करना है। नहीं अब काफी समय मैं बोलूंगी शैतान ने ऐसा डाल दिया है हम चर्च नहीं आ रहे, वाई क्यों नहीं आ रहे? शैतान नहीं चाहता आपकी मैरिज रुकी हुई है, शैतान नहीं चाहता कि आपकी मैरिज हो, शैतान नहीं चाहता आप चंगे हो, उसने रोक के रखा है आपको। आप जब मॉल जाएंगे आप इजली चले जाएंगे, आप जब जॉब पे जाएंगे आप इजली चले जाएंगे, बारिश में जॉब पे चले जाएंगे, अकाल में चले जाएंगे, हर एक टाइम पे चले जाओगे। लेकिन जब चर्च आने की समय हुआ, मम्मी की तबीयत, पापा की तबीयत खराब, क्यों? वाई मैं आपको बोलना चाहती हूँ ये क्यों हो रहा है, ये शैतान की रुकावट है आपकी लाइफ में। आप बोलते हो ना मेरे अंदर क्या कमी है, मैं घर पे वचन तो पढ़ रही हूँ, मैं घर पे प्रार्थना तो कर रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में मेरे बिजनेस क्यों नहीं हो रहे, मेरी लाइफ में मेरी प्रॉपर्टी का काम क्यों नहीं हो रहा, आपके प्रॉपर्टी के काम क्यों रुके हुए हैं? मैं बोलना चाहती हूँ शैतान नहीं चाहता आप चर्च आए। जब चर्च आएंगे आपके हेवनली डोर ओपन होंगे, आपके आत्मिक द्वार ओपन होंगे, आप बोलेंगे ये कैसा हुआ बहन, आप चर्च कंटिन्यू आए ऑटोमेटिक, आप लाइफ कंटिन्यू आए, अपने लाइफ को नहीं छोड़ा, तो आपके ये काम होंगे। हालेलुया, क्या आज हम ऐसा है? उठ उठ, परमेश्वर हमें उठाना चाहता है। आलसी जो नहीं उठते ना वो आलसी है, आलसी लोग कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आलसी है, क्योंकि बाइबल पढ़ने में उनको आलसी आती है, उनको अपनी बाइक में डीजल डालने में आलसी आती है, और अब पेट्रोल लगेगा चर्च आने में 100 रुपीज लग जाएंगे, उनको आलस आता है। लेकिन जैसे ही उनको बर्गर खाना रहेगा, जैसे उनको कुछ दारू शारू पार्टी करना रहेगा, उनके 100 के उनके लाख हजारों रुपए खर्च हो जाएंगे, तब नहीं। लेकिन चर्च आने के लिए 100 रुपीज खर्च हो जाते हैं, 200 खर्च। मैं बोलती हूँ कि आप परमेश्वर के लिए खर्च करें, परमेश्वर आपको हजारों गुना देगा,
लेकिन हम अपने माइंड का इस्तेमाल क्यों करें? आज लोग प्रचार भी बुद्धि से करते हैं। मैं बोलती हूँ कि पवित्र आत्मा से करें, होली स्पिरिट से पूछ के करें। यहाँ पे क्या लिखा है, लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढाढ़स बांध, उठ उठ, वो तुझे बुलाता है। आज आपको ढाढ़स बांधना, उठ, आज यीशु मसीह आपको बुलाता है। हालेलुया, आपको अपने चर्च जाना है, आपको अपने फैमिली में जाना है। अब आपका चर्च है, वो आपका भवन है, आपको जाना है, उठ, तब आप चंगे होंगे। और यहाँ पे क्या लिखा, वो इतना एक्साइटेड हो गया, वो ओवर एक्साइटेड हो गया, और जो भी वो गंदे सुंदे कपड़े पहन के रखा था ना, जो भी वो शारीरिक कपड़े पहन के रखा था ना, परमेश्वर ने उसको आत्मिक कपड़े पहनाए। यहाँ पे क्या लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर श्वेत उठा, तुरंत उठा, क्योंकि इसको पता है अब मैं ये कपड़े को फेंक दो, परमेश्वर मुझे एक नया कपड़ा पहना रहा है, परमेश्वर मुझे एक स्पिरिचुअल कपड़ा पहना रहा है जो कोई नहीं पहनाएगा। शारीरिक कपड़े को फेंक दिया उसने। यहाँ पे क्या लिखा है पढ़िए, वो अपना कपड़ा फेंक कर उसका जो खुद का मैला गंदा कपड़ा था, जो शारीरिक कपड़ा था, वो फेंक दिया उसने। शीघ्र उठा, तुरंत उठा, जैसे बोला वैसे उठा। आज यीशु मसीह जैसे बोले, आपको चर्च आना है, एक्सेस नहीं बोलना है, आपको भवन में आना है, आपको एक्सेस नहीं बोलना है, आपको तुरंत आना है। आज काफी लोग बोलते हैं हाँ हम आएंगे, लेकिन नहीं आते, नहीं आते। क्यों नहीं आते? वाई, क्यों नहीं आते? शैतान नहीं चाहता कि आप चर्च आए। सब चले जाएंगे, सब जगह चलेंगे, चर्च नहीं आएंगे। क्यों? मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। हाँ, वो अपना कपड़ा फेंक कर सीध उठा और यीशु के पास आया। क्या, किसके पास आया? यीशु ने उसको बोला था वो यीशु के पास आएगा ना। वो शारीरिक कपड़े को फेंक दिया, परमेश्वर उसको आत्मिक कपड़े बनाएगा। आप आत्मिक, यदि आप चर्च आओगे, परमेश्वर आपको एक स्पिरिचुअल कपड़े पहनाएगा, आत्मिकता के कपड़े पहनाएगा। हालेलुया। लेकिन आज काफी लोग शारीरिक कपड़े, 6 दिन शारीरिक कपड़े पहनते, 7 दिन शारीरिक कपड़े। एक मौका मिलता है, टाइम मिलता है परमेश्वर के पास, उसने भी क्या करते हैं वो लोग, शारीरिक पहनते। हालेलुया। आप, मैं बताना चाहती हूँ बहनों आपको, भाइयों आपको, आप कैसे जानोगे एक व्यक्ति कितना भी लाइव हो रहा है, कितनी भी मीटिंग चला रहा है, यदि वो अपने चर्च नहीं जा रहा है तो वो कभी आत्मिक नहीं। और वो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि अब हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं, हमें लाइव देखना है, हम घर बैठे बैठे आराम से कंफर्टेबल जोन में लाइव देखेंगे, वो व्यक्ति आत्मा में कभी नहीं बढ़ पाएगा। उसके अंदर शैतान काम कर रहा है, शैतान अंदर घुसा हुआ है। तो आप उस व्यक्ति से तुरंत दूर हो जाइए, यदि आप चर्च जाते वो आपको भी ऐसा कर देगा। हालेलुया। क्या लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर सीध उठा और यीशु के पास आया। और यीशु के पास आया। आज हमें अपने शारीरिक कपड़े फेंक कर, अपने घर के सारी चीजों को छोड़कर यीशु के पास आना है। कहाँ आना है? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। आज हम कितने सारे लोग हैं जो चर्च में लेट क्यों आते, अपने सारे काम निपटा लेते, उसके बाद अब हम जाते। एक संडे तो मिलता है हमको रेस्ट का, एक संडे तो मिलता है। मैं बोलूंगी एक संडे ही है आपकी चंगाई का, एक संडे ही आशीष का, एक सातवां दिन ही तो आपकी ब्लेसिंग का, एक सातवां दिन तो है आपकी आशीष का, बरकत का। सारे काम निपटा लिए। आपको ऐसा लगता है आपको संडे जाना, आप शनिवार को काम करो। मेरे घर में भी सब आते हैं तो मैं आपको बोलती हूँ हम अपना सारा काम सैटरडे को करते हैं, हम संडे नहीं करते, हम पूरे हफ्ते नहीं करते, ओनली सैटरडे। तो आपको, आपको लगता है कि हम शादी में, मैरिज में जाने वाले, हम पहले से तैयारी करते हैं, तो हमें लगता है कि संडे हमें पहले से तैयारी, और ये तैयारी हमारी भूख को दिखाती है कि संडे में कोई डिस्टर्ब नहीं, मैं कंफर्टेबल से जाऊं, कंफर्टेबल से आऊं, आराम से परमेश्वर के वचन सुनूं, थकान से नहीं, डिस्टर्ब से नहीं, आराम से रिलैक्स होके, और जब परमेश्वर का आत्मा भी काम करेगा और फ्रीली होके। लेकिन हबड़ हबड़ सुबह सुबह ये कर लिया वो कर लिया, नो, ऐसा नहीं। क्या लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर, वो अपने शारीरिक कपड़े को उसने फेंक दिया, क्योंकि परमेश्वर उसको आत्मिक कपड़े पहनाने जा रहा है। शारीरिक कपड़े को फेंक कर सीध उठा और यीशु के पास आया, जैसे यीशु मसीह ने उसको बोला वो यीशु के पास आया। हालेलुया। क्या हुआ, वो यीशु के पास आया। क्यों आया? यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने उसको बुलाया था। जब हमको अपने शारीरिक कपड़े को फेंकना, हमको यीशु के पास आना है। हालेलुया, हालेलुया। शंदरी खले, हाँ पढ़िए ये वाला मरकुस 51। इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। बहनों भाइयों, आज आप क्या चाहते कि यीशु आपके लिए करे, तो आपको क्या करना है, अपने शारीरिक कपड़े को फेंक ले, अपनी सारी चीजों को फेंक कर आज यीशु के पास आना है। और यहाँ पे यीशु मसीह आज इससे पूछ रहा है, जो तू बार बार चिल्ला रहा था, जो बार बार तू बोल रहा था, आज तू क्या चाहता है? बहन आज आप क्या चाहते, भाई आज आप क्या चाहते कि आज यीशु आपके लिए करे? क्या आप चंगे होना चाहते? क्या जब हील होना चाहते, तो सबसे पहले अपने शारीरिक कपड़े को फेंक कर यीशु के पास आना है। अपने पुराने जीवन को छोड़कर,
अपने हर एक कुचले में जीवन को छोड़कर, अपनी गंदगी को छोड़कर यीशु के पास आ रहा है। वो अपनी सारी चीजों को छोड़कर यीशु मसीह के पास आया, अपने काम को छोड़कर यीशु मसीह के पास आया, अपने गंदे कपड़े को छोड़कर यीशु मसीह, अपने काम को छोड़कर यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चंगे होना चाहते थे, आपको यीशु के पास आना है। उसने बुलाया, वो आ गया, तुरंत आया, तुरंत आया। और आज आप यहाँ पे लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज आप क्या चाहते हैं कि, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज आप क्या चाहते हैं कि यीशु आपके लिए करे? आज आप क्या चाहते हैं यीशु आपके लिए करे? यदि आप चाहते हैं जो भी, तो आप यीशु के पास आओगे तो ही चंगे होगी। यदि यीशु के पास नहीं आओगे तो आप चंगे नहीं, घर बैठे बैठे नहीं हो पाओगे। यदि आप पैरालिसिस ही परमेश्वर की कंडीशन को जानते, आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप आ सकते हैं तो आपको आना है चर्च, आना है भवन में। नानी दादी कोई भी आ गए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास आना इम्पोर्टेंट है। वो हमारे जीवन को बचाएगा, वो हमें चंगा करेगा। और क्या लिखा है देखो, वो जैसे ही आया ना, परमेश्वर पहले हमें अपने पास बुलाता है, फिर चंगा करना चाहता है। ऐसे ही नहीं घर बैठे बैठे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू आज तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, अंधे ने उससे कहा, अंधे ने उससे कहा, और अंधे ने उससे क्या कहा? हे रब्बी, यीशु, आज आप क्या चाहते हो कि यीशु आपके लिए करे? तो आपको क्या बोलना है? हे रब्बी, हे यीशु, हे परमेश्वर, हे यीशु नासरी, मुझ पे दया कर। हे यीशु नासरी, मुझ पे दया कर। तेरा अनुग्रह मेरे पर। तू दया कर, मैं चंगा हो जाऊं। तू दया कर, मैं हील हो जाऊं। तू दया कर, मैं ब्लेस हो जाऊं। हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, यहाँ पे लिखा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, वो अंधा जो व्यक्ति था, वो अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं, यह है रब्बी कि मैं देखने लगूं, मैं अंधा हूं कि मैं देखने लगूं। आज आपकी क्या इच्छा है कि आज आप यीशु आपके लिए करे? वो ये चाहता था कि मैं देखने, और वो देखने के लिए सिर्फ उसने इतना संघर्ष करा, देखने के लिए उसने मेहनत करी, है रब्बी कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। और ये क्या था? ये उसका विश्वास था। ये क्या आज का आपका विश्वास है कि मैं चर्च जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा? आप हो जाएंगे, आप चर्च जाएंगे, आप हील हो जाएंगे, आप चर्च जाएंगे, आप आत्मा में बढ़ जाएंगे, परमेश्वर आपको ग्रो करेगा, परमेश्वर को गुरु करेगा, परमेश्वर को बढ़ाएगा हर एक काम में। एक व्यक्ति जब बीच में पीछे होता है तो प्रार्थना में पीछे होता है। पुराने समय में बीच आगे था, बीच पहले स्थान में था, प्रार्थना बाद में थी। लेकिन नए समय में, न्यू कल्चर में, अभी न्यू टेस्टामेंट में, अभी क्या है? पहले प्रार्थना है। क्योंकि कुर्नेलियुस में जब हम 10 पढ़ेंगे तो वो कुर्नेलियुस क्या था सबसे पहले? हालेलुया, तेरी प्रार्थना, तेरे दान परमेश्वर के पास पहुंचे। जो व्यक्ति दान में पीछे वो प्रार्थना ही पीछे, जो व्यक्ति प्रार्थना में पीछे वो दान में पीछे रहेगा। क्यों? वाय? लेकिन यदि एक व्यक्ति दोनों में आगे, तो वो परमेश्वर के भवन में सबसे आगे रहेगा, सबसे आगे बढ़ेगा, सबसे आगे बढ़ेगा। और एक बहन आके जल रही, बैठ रही, अरे ये इतना बढ़ रही, अरे ये इतना करे, क्यों जल रही हो बहन? उसकी मेहनत, सातों दिन परमेश्वर, छह दिन परमेश्वर, कंटिन्यू परमेश्वर, और कंटिन्यू आना, कंटिन्यू बात को मानना। आप क्यों बैठे बैठे जल रहे हो? उसकी मेहनत दिखे, और वो चंगा हो गया, मैं नहीं हुआ, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, क्यों? इसकी मेहनत। बाकी के अंधे चंगे नहीं हुए वहां पे, लेकिन ये अंधा चंगा हुआ। ये यहाँ पे अंधे बर्तिमाई का बेटा जो है वो चंगा हो गया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, वो अपना कपड़ा फ्रेक कर शीत उठा, यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? आज आप क्या चाहते हैं यीशु के लिए करे? अपनी भूख को बढ़ाए, अपनी प्यास को बढ़ाए। और यहाँ पे लिखा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी की मैं देखने लगूं। आज आपकी भी जो भी प्रार्थना होगी, जो भी चीज आपके घर चाहिए, परमेश्वर ये कि तुम्हें को घर दे दे, तुम्हें को परिवार, ये मांगना है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या मांगना है? इसकी प्रॉब्लम क्या थी? ये अंधा था। आपका क्या मांगना है? परमेश्वर की मैं प्रार्थना करने लगूं, मैं वचन पढ़ने लगूं, और भूख और प्यास को बढ़ा, ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो यीशु के पास आए और बोले, चर्च आए, बोले, आपको बोलना है। यहाँ पे अंधे ने बोला, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। और क्या इसके विश्वास ने, इसके बिलीफ ने, इसके फेथ ने, आज आपका फेथ आपको बचाएगा, आज आपका विश्वास आपको चर्च लाएगा, आज विश्वास के द्वारा आप बच जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने, कहां से चला जा? चर्च से तू जा और चंगा हो जाएगा। चर्च से तू जा, तू ही कि तू, मैंने तुझे बुलाया, तू आ गया। मैंने तेरे को बोला, तू उठा। मैंने तेरे को बोला, तुरंत उठा, तू तुरंत आया। तूने एक्सक्यूज नहीं बोला, आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं आ पाऊंगा, हाँ मैं आ रहा हूँ फिर मैं नहीं आया, हाँ मैं आ रहा हूँ फिर मैं नहीं आ पाया।
यहाँ पे उसने तुरंत आया, उठा और यीशु के पास आया और बोला तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूँ। उसने बोला मैं देखने लगूँ। और यहाँ पे क्या लिखा है, यीशु ने उससे कहा चला जा, आज अब चर्च से जाएंगे जाएंगे, लंगड़ाते हुए आएंगे, चलते हुए जाएंगे, अंधे आप देखते हुए जाएंगे, बहरे हैं सुनते हुए जाएंगे, गूंगे हैं बोलते हुए जाएंगे, पेट का दर्द लेके जाएंगे हील को लेके जाएंगे, कमर का दर्द लेते हुए जाएंगे हीलिंग को लेते हुए जाएंगे, टूटे हुए रिश्ते को लेके आए, मेरा पति मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं बोलूंगी आपका पति का फोन आएगा, आपकी पत्नी का फोन आएगा, अनवांटेड रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि जो चंगाई में सामर्थ्य, जो चंगाई में अभिषेक है, और हर एक बंधन, हर एक शैतानिक बंधन, हर एक शैतान के बंधन टूट जाएंगे आपकी मैलिस से, आपके घर से, आपके परिवार से, आपकी कॉलोनी से। हालेलुया। क्योंकि हम कहाँ आ रहे, हम यीशु के पास आ रहे, हम कहाँ आ रहे, हम यीशु के पास आ रहे। क्या लिखा है पढ़िए, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तेरे बिलीफ ने तुझे चंगा कर दिया। आज हमारा विश्वास है कि हम चर्च जाने से ही चंगे हो जाएंगे, तो हम चंगे हो जाएंगे। उसको पता था कि यीशु मेरे पास, यीशु यहाँ पे आएगा, यहाँ से गुजरेगा, उसने सुना था, और यीशु जैसे मेरे प्रार्थना करेगा मैं चंगा हो जाऊंगा, और वैसे ही चंगा हो गया। और मैं बोलती हूँ यहाँ पे यीशु से कोई प्रार्थना नहीं करी, हालेलुया, यहाँ पे यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं करी, यहाँ पे यीशु ने बोला तू बस चले ही जाए यहाँ से और तू चंगा हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला, उसने प्रार्थना करी, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने में धन्यवाद देता जिसको चंगा, ऐसा कुछ नहीं करा। यहाँ पे यीशु मसीह ने उसका टेस्ट लिया, जब मैंने उठने के लिए बोला अरे हम इतने बीमार हैं सर, हमारे घर नहीं आ सकते, अरे हम इतने बीमार हैं मैडम, हमारे घर नहीं प्रार्थना नहीं कर सकती। नो, परमेश्वर आपको लाना चाहता है चर्च में, आप भवन में चंगी हो, आप उपस्थिति में चंगी हो, आप वेदी में चंगी हो, वो करना चाहता है, हम नहीं आए, आज आपको आना है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे, इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ, अंधे ने उससे कहा हे रब्बी की मैं देखने लगू, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने, तेरे बिलीव ने, तेरे फेथ ने तुझे चंगा कर दिया। आज हमारा बिलीव, आज हमारा फेथ हमको चंगा करेगा। यदि विश्वास करते हैं आप कि मैं चर्च कंटिन्यू आऊंगी, चंगा होऊंगा, प्रार्थना कराऊंगा, चंगा हूँ कंटिन्यू, तो आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारे विश्वास के द्वारा हम चंगे हो जाएंगे, आज हमारे फेथ, हमारे बिलीफ के द्वारा हम चंगे, इसके विश्वास ने इसको चंगा कर दिया, इसके विश्वास ने, ये अंधे के विश्वास ने इसको चंगा, और ये दो अंधे चंगे हो गए। हालेलुया। और क्या हुआ, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया। और फिर क्या हुआ मालूम है, फिर लोग चंगे होने के बाद क्या अपनी जिंदगी में मस्त हो जाते हैं, अपनी मस्त, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे क्या लिखा, वह तुरंत देखने लगा जैसे यीशु मसीह ने बोला, क्योंकि वो भी तुरंत, जैसे यीशु मसीह ने उसको बुलाया तो तुरंत उठाता, जैसे यहाँ पे यीशु मसीह ने उसको बोला तो वो तुरंत कंटिन्यू, अरे हम आए लेकिन हम देखने नहीं लगे, क्यों, अरे हमारी विश्वास की घटी, हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए, आज हमारा विश्वास कह रहा है हमारा विश्वास छोटा सा है, हम सोच रहे अरे बारिश हो, हम चढ़ जाएंगे ना, अब बारिश हो जाएगी, विश्वास को लेके चलो कि हम जाएंगे बारिश नहीं होगी, हम जाएंगे तूफान नहीं होंगे, हम चर्च पहुंचेंगे, क्योंकि चर्च आप क्यों जाना चाहते हैं। हालेलुया। हम कहीं भी निकलेंगे कुछ नहीं होगा, आपके पास पावर है, आपके पास अधिकार है, आपके पास सामर्थ्य, इस्तेमाल करो, यूज करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने, आज आपका विश्वास आपको बचाएगा बीमारी से, आज आपका विश्वास आपको बचाएगा कमजोरी से, आज आपका विश्वास आपको समस्या से बचाएगा, आज आपका विश्वास से आपकी निराशा दूर हो जाएगी, आपके विश्वास से आपका पति आ जाएगा, आपकी पत्नी आ जाएगी, आपकी फैमिली रिस्टोर हो जाएगी, आपको बेबी हो जाएगा, आपको विश्वास है कि मेरे को बेबी होगा, आपका विश्वास है आपका एब्डोमेन पेन, आपका थायराइड आपकी दूर हो तो आपको दूर हो जाएगा, जैसे इसके विश्वास के द्वारा। और यहाँ पे लिखा है यीशु ने उससे कहा चला जा, विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, आज आपका विश्वास आपको चंगा करेगा, जैसा आप चाहते हैं आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। जैसा आप चाहते हैं आपके लिए हो जाएगा, और आपके उसके विश्वास ने उसको बचा लिया। और आगे वो तुरंत देखने लगा, तुरंत यीशु के पास आया था और तुरंत देखने, आज हम तुरंत यीशु मसीह के पास आएंगे, हम तुरंत देखने भी लगेंगे, बस हमारे अंदर भूख होना चाहिए, हमारे प्यास होना चाहिए, और वो क्या हो गया, वो चंगा हो गया। और क्या हुआ, और मार्ग में उसके पीछे हो दिया। काफी लोग नहीं होते चंगे होने के बाद, वही गर्लफ्रेंड, वही बॉयफ्रेंड, वही व्यभिचार, वही गंदी स्पिरिट, तो वो वापस से वही सिम्टम्स आते, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, वो यीशु के पीछे हो गया, वो भी भीड़ में से एक हो गया।
वो भी भीड़ में से जो लोग चल रहे थे ये भी यीशु के पीछे चला कि वो देखने, क्योंकि यीशु ने उसकी आँख खोली थी। किसके पीछे हो गया? और मार्ग में जब यीशु मसीह आपको चंगा करे ना, आपको यीशु के पीछे होना है, जाना नहीं है बस। अब हमको चर्च आने की, एक बहन चर्च में आके ठीक हो गई, अब मुझे चर्च आने की जरूरत, मेरा ठीक हो गई। वापस से वही लक्षण क्यों आते हैं? क्योंकि यीशु के पीछे नहीं हुए। जब हम उसके साथ पीछे होंगे, हम वापस से वही बीमारी, वही सिम्टम नहीं होंगे, हम पूरी तरह चंगे हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? आज आप क्या चाहते हैं कि यीशु आपके लिए करें? आप जो भी चाहते हैं आपके विश्वास के द्वारा आप हो जाएगा। हालेलुया। आप उसके विश्वास ने उसको बचा लिया, और क्या वो तुरंत जब आप चंगे हो जाए, जब आप चंगे हो जाओगे, आपको तुरंत यीशु के पीछे हो जाना है। हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, ये वचन आज आप सारे लोगों को समझ में आया होगा। और मैं एक बार और रिपीट करती हूँ आपको ये वचन, मैंने बताया आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या लिखा, वो अंधा बार बार क्या बोल रहा है, प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। सेकंड बार क्या बोला, हे दाऊद, प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। थर्ड बार क्या बोला, यीशु मसीह ने उसको बुलाओ, और जैसे बुलाया वो अपने कपड़े फेंक कर, शारीरिक कपड़े फेंक कर यीशु के पास आया। और वो यीशु मसीह क्या बोल रहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे, उसने बोला मैं देखने लगूं। और क्या हुआ, वो तुरंत देखने लगा, देखने तो लगा लेकिन वो यीशु के पीछे हो गया। जब हम चंगे हो जाए तो हमें कॉन्टिन्यू चर्च आना है। परमेश्वर ने और बड़ी आशीष, परमेश्वर ने और बड़े मिरेकल रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीषित करे, इसी वचन के साथ परमेश्वर को ब्लेस करे। यदि अभी तक आप लोगों ने वर्ड ऑफ गॉड को शेयर नहीं करा, तो अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने टाइमलाइन में आप परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर को ब्लेस करे, और